अरे ये पानी डस्टबिन देख रहा हूँ सर। अरे हाँ जी जनाब, स्टार्ट करें। नहीं नहीं अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी आपको वेट करना पड़ा। और टॉपिक पे अगर आए तो टॉपिक आज जो लिबरल फेमिनिज्म है, रेडिकल फेमिनिज्म है, कुछ जो थीरीज हैं वो हम देखेंगे जो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। सो अब इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बताऊं कि इन सब का जो एजेंडा है, जो एम है, गोल है, वो एक ही होगा, ठीक है। वो क्या है? वो इमेंसिपेशन हो या बाकी जो जेंडर इक्वलिटी है, एजेंडा वही है। अब डिफरेंस कहाँ पे आएगा? मेथड पर, ठीक है जनाब। अब आप इस सेंटर से उठें और आप पीछे चले जाए। जी आप अच्छा जी, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? लिबरल फेमिनिज्म। तो लिबरल फेमिनिज्म जो है, इनका क्या एजेंडा है? अब इनका जो मेन आर्गुमेंट, अच्छा इसको वैसे कहते हैं, जैसे पिछली दफा बात हुई थी वो फादर ऑफ व्हाट्सएवर, अब यहाँ पे इसको क्या कहते हैं कि फेमिनिज्म बेसिकली इसी से निकली, ठीक है। क्योंकि जो अगर अगर हम सबसे पहले बात करें, जो फेमिनिस्ट आइडियाज जो हैं वो निकलना शुरू हुए थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला फिलोसोफर था जे एस मिल था, और वो क्या था? लिबरल फिलोसोफर था, ठीक है। सो बेसिकली जो फेमिनिज्म है उसका, उसके पीछे आइडिया बेसिकली क्या? लिबर्टी ही है ना, ह्यूमन लिबर्टी है। और उसपे उसके पीछे फिर हम वो जेंडर की लेंस से उसको देखना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये तबका पिसा हुआ है तो इसको लिबर्टी दो, इसको लिबर्टी का, वो सब जो सारा आइडिया, ठीक है। सो इनका जो आर्गुमेंट है, दैट इज वुमेन हैव द सेम मेंटल कैपेसिटी एज देयर मेल काउंटर पार्ट्स एंड शुड बी गिवन द सेम अपॉर्चुनिटीज इन द लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्फेयर्स, ठीक है जनाब। ये वो कहते हैं कोई, ये जो हम बैठ के कहते रहते हैं ना, ठीक है, ऐसे ये कोई हवाई बातें नहीं कि हम बैठ के ये जब कह देते हैं कि जनाब नहीं ये वुमेन का तो ये नेचुरली जरा सा ऐसे है, ये वीक है, मेंटली वीक है, या ये उस तरह से इमोशनली वीक है। ये आपको परसों एक भाई साहब से बहस हो रही थी, अच्छे खासे पढ़े लिखे बंदे थे, उनका ये आर्गूमेंट। जब बातें शुरू होती हैं पर्टिकुलरली अगर रिलीजन पे गपशप शुरू हो जाए तो फिर डेफिनेटली वो जरा ज्यादा लोग अथॉरिटी से बात करते हैं। सो वीडियो चल पड़ी है यहाँ पे साहब। सो ये एक पॉपुलर आर्गुमेंट जरूर है, लेकिन इनका ये मानना है कि भाई साहब इनकी जो मेंटल कैपेसिटी है, दैट इज
सेम, ठीक है। फिजिकल में आप वेरी कर सकते हैं, बाकी कर सकते हैं। देखिए फिजिकल में भी तो अगर मेन की बात करें तो क्या सारे मेन की फिजिकल कैपेसिटी सेम? डेफिनेटली वेरी कर रही। तो यही है मार्जिन, उनको भी दे दें। अब कुछ वुमेन होंगी वो मेन से ज्यादा स्ट्रांग होंगी, ये भी होगा। मेंटली भी कुछ लोग ऐसे हैं ना, वो लड़के ऐसे होते हैं, वो उस तरह से जिंदगी नहीं अच्छी गुजार पाते। कुछ वुमेन होती हैं बड़ी अच्छी, उनकी सोशल लाइफ भी अच्छी होती है, प्रोफेशनल लाइफ जो होती है वो भी अच्छी होती है, और जो पर्सनल लाइफ है उसको भी उन्होंने अच्छा मेंटेन किया होता। सब अगर कहा जाए तो उनकी मेंटल कैपेसिटी इनसे ऊपर है। तो ये क्योंकि बेसिक जो हमने फ्रेमवर्क रखना है ना, जैसे अगर आप यूएन का चार्टर उठाएं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। तो ये जो इक्वालिटी है इसका मतलब ये नहीं है कि सारे एक जैसे हो जाएं, वो तो फिर सारे रोबोट्स हो जाएंगे ना। सो रोबोट्स नहीं, इक्वालिटी क्या है जो यहाँ पे लिखी हुई, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हर एक जो लाइफ का स्फेयर है उसमें, ये है इक्वालिटी, ठीक है। जैसे पहले भी अगर कहीं जिक्र हुआ हो, इक्वालिटी हरगिज ये नहीं है कि सबकी अगर हम पे एक जैसे कर देंगे तो दैट वुड बी इक्वालिटी, नहीं वो नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आप देखें ना, स्टेट का या किसी भी बंदे की फैमिली का, पेरेंट्स का, वो उसको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं ना। अब उसकी जितनी इंटेलिजेंस है उतना वो उन चीज़ों को यूटिलाइज करेगा। अब कुछ लोगों के पास पैसे भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, वो अच्छा नहीं पढ़ पाते, क्या किया जाए। कुछ लोग हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर जाते हैं और सोसाइटी में बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो ये नहीं होता कि आप जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड कर दी जाए, एक्स्ट्रा भी कर दी जाए, तो आप थ्राइव कर पाएंगे। सो ये है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द ओप्रेशन ऑफ वुमेन इज द डिनायल ऑफ देयर इक्वल राइट्स। अगर आप वुमेन को ओप्रेस रखे हुए हैं तो ये क्या है, सीधा सीधा डिनायल है आपके। आप उनको इक्वल राइट्स ही नहीं दे रहे, ना आप उनको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ना आप एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। लिबरल फेमिनिज्म टेक्स अ जेंडर न्यूट्रल या जेंडर ब्लाइंड अप्रोच। जेंडर ब्लाइंड अप्रोच क्या होती है? बिल्कुल सही, कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर ब्लाइंड। आपने जैसे आपने कभी देखा हो स्टैचू ऑफ जस्टिस, ये जो अदालतों के बाहर वो मूर्ति सी बनी होती है, उसकी आंखों में पट्टी होती है, सही है। तो वो क्या है, वो न्यूट्रलिटी की पट्टी, कि यहाँ अमीर गरीब दाएं बाएं जो भी आए, हमने अज्यूम तो यही किया हुआ है ना, वो बाकी भारत का मसला है कि देख के फैसले होते हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, कि आपका क्लाइंट कौन है। जजेस चूंकि हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है, वीक जजेस हैं हमेशा से। अब वो कुछ 8 मैगजीन्स हैं जो लॉ के हैं बेसिक, जो वो इक्विटी में आते हैं, नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस या इन हिज ओन कॉज है मेरा ख्याल। सो वो तो डेफिनेटली है। अब मॉडर्न जो दुनिया है, सिविलाइजेशन है, इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पेक्ट है वो रोम गई है, वेस्ट है, वेस्ट से होता हुआ हमारे यहाँ भी पहुँच गया। ये सारी जितनी भी सेनेट और ये ड्यूरेशन भी है, इवन के असम्बली 5 साल उनकी, 1 साल की पहले वो काउंसिल ऑफ रोम इलेक्ट करते थे। सो इस किस्म का स्ट्रक्चर वहीं से आया हुआ है। उसके बाद जाके फिर ब्रिटेन का है, ब्रिटिश जो है वो जहाँ जहाँ रहे तो वहाँ वहाँ उनका साया। नहीं वो किया है ना, अब पॉइंट इज कि उन्होंने वो चेंज कर दिया ना, जब उन्होंने रियलाइज किया कि हाँ, क्योंकि अब यहाँ भी देखें ना, फोकस ऐसे मेंटल कैपेसिटी की है ना। मॉडर्न दुनिया किसकी है? इंटेलेक्ट की दुनिया है। अब आपकी जो फिजिक है वो इररिलेवेंट होती जा रही और विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि अब आपके वो जो ज्यादा काम है, अब अगर आप देखें पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट अगर देखें आप, तो आपकी अकल दंग रह जाती, कितने भारी भरकम पत्थर के इंसान कैसे लेके गए होंगे।
अब आप इससे डबल पिरामिड बना सकते हैं, मशीन्स लगा के आप बना लेंगे और कोई को बात भी नहीं करेगा, बल्कि खुश होंगे भाई क्या जबरदस्त चीज बनाई। तो ये है, तो हमने वो चीजें क्या कर दी हुई हैं, तो जब से वो शिफ्ट किए हैं तो हमने ये भी रियलाइज किया है कि अब मेंटल कैपेसिटी ही अल्टीमेटली सुपीरियर कैपेसिटी है, जो उसको अच्छी रखेगा वो आगे चलता जाएगा। क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है यूरोप में या इवन वेस्ट में या बाकी आगे भी आप चले जाएं, वो ये चल रही है कि आप आपका जो माइंड है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इररिलेवेंट होता जाएगा। आपके पास स्किल्स अगर ये अच्छी होंगी कोई तो फिर आप कुछ कर पाएंगे, वरना तो ये जो सीधे सीधे लोग हैं ना, और ज्यादा लोग वही हैं अमेरिका से लेके यहाँ तक, जो सीधे सीधे लोग, ये जो आम अब इमरान को आप कहेंगे या कोई और आपकी नज़र में ऐसा बंदा हो, या जो इवन फैक्ट्री के लोग काम करते हैं जिनका सीधा सीधा काम है, बॉटल्स आ गई, कॉटन उठाया साइड पर रख दिया, फिर दूसरा उठाया फिर रख दिया, ये इररिलेवेंट होते जाएंगे। तो जैसे जैसे और होगा हम इंसान और उसमें, लेकिन जब तक नहीं होता वैसे, अगर रियलाइज कर लिया है तो अब हमें भी कह रहे हैं कि हम भी रियलाइज कर, हमारे यहाँ एक वो एक बात है ना, हम उसको जैसे आप बात कर रहे हैं कि वहाँ भी वुमेन ओप्रेस थी या सप्रेस थी, डेफिनेटली थी, उस पर तो कोई आर्गूमेंट ही नहीं, लेकिन अब चेंज भी तो वही कर रहे हैं हम, ये बात तो है। क्या नहीं, एज अ लेबर तो वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही थी। हम यहाँ जो सारा स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो तो डोमिनेंस का स्ट्रक्चर है ना, ये तो नहीं है कि बिल्कुल को घर में कैद करके रखी हुई थी, नहीं काम करती थी, मिलिट्री में आपको नजर आती है की पोस्ट में आपने कभी देखा हो कि ब्रिटेन की हिस्ट्री में क्वींस को छोड़ के कोई और को पार्लियामेंटेरियन आपको नजर आई हो कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी 16 या समथिंग में, नहीं नजर आती। तो ये बात है ना, पावर में कहीं नहीं नजर आती। तो डोमिनेंस सोसाइटल की सोसाइटी की जो है वो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से फिर चेंज हो गई ना, सो ये बात। अच्छा, सो बात क्या हो रही थी, जेंडर न्यूट्रल होने की, आंखों में पट्टी, आपने नहीं डिस्क्रिमिनेट करना कि कौन सा जेंडर, ठीक है जना। फिर ये कहते हैं कि मेन हैव मोर राइट्स एंड पावर, कि मेन के पास क्या हैं, ज्यादा राइट्स और पावर हैं। सीक रिफॉर्म्स टू विच लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी कैन बी एस्टैब्लिश एंड मेंटेन्ड। तो बड़ा सीधा सीधा अब इनकी अप्रोच क्या है कि रिफॉर्म्स किए जाएं, एवोल्यूशन, 50 साल लगें, 100 साल लगें, 200 साल लगें, आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, सिस्टम को बदलो, थ्रू लॉज बदलो, पॉलिटिक्स के थ्रू बदलो, जिस तरह मर्जी बदलो, आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है जनाब। अच्छा, मैरी वुल्सन क्राफ्ट ने लिखी थी ये अब इंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन इन 1792, ठीक है, ये वही मैरी वुल्स्टोनक्राफ्ट हैं जिन्होंने किस पे एतराज किया था, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद वहां का बिल ऑफ राइट्स आया, तो जिसका टाइटल क्या था, राइट्स ऑफ मेन एंड ऑफ सिटीजंस। तो उन्होंने कहा भाई मेन ही क्या सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, वुमेन के ऊपर कोई राइट्स नहीं है, तो ये वही मैरी वुल्स्टोनक्राफ्ट जी। नहीं, ये तो मोटो है ना, मोटो ऐसे जैसे ये PMLN का वोट को इज्जत दो, तब्दीली वालों का तब्दीली, और रोटी कपड़ा और मकान, ये पीपल्स पार्टी का है, ये मोटोज होते हैं। सो मोटो ये था, लेकिन एक्चुअल जो उसके बाद डॉक्यूमेंट आया वो क्या था, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। दो बिल ऑफ राइट्स ही बड़े फेमस है ना, एक ये फ्रेंच और दूसरा अमेरिकन, उससे पीछे ब्रिटेन का भी है, लेकिन उसमें चूंकि इतने ज्यादा वो मॉडर्न राइट्स नहीं है, वो रिफॉर्म्स का तो जरूर था। अच्छा, सो 1792 में इन्होंने ये लिखी, और मैरी वुल्स्टोनक्राफ्ट ने आर्ग्यू किया कि फंडामेंटल इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन, इसके बारे में बात की जाए, ये नहीं है कि आप बस ऐसे ही, मतलब ऐसी थीरीज है ना, हम आज भी खुद को नहीं कन्विंस कर पा रहे एज अ सोसाइटी कि इक्वल हैं दोनों, ठीक है ना। आपके
अच्छे खासे पढ़े लिखे दोस्त जो बहुत वेल रेड हैं वो भी बैठे बैठे कह देते हैं कि लड़की खाना तो अच्छा बनाना आना चाहिए। फिर बाद में ख्याल आता है, ओहो ये क्या बात हो। फिर कहते हैं सॉरी, किसी भी इंसान को अच्छा खाना बनाना आना चाहिए। हाँ जी, तो ये देखे ना, अब आपने कभी ये सुना है कि लड़के को तो अच्छा खाना बनाना आना चाहिए, क्वालिटी नहीं है ना लड़कों की, लड़का अच्छा प्रोफेशन में होना चाहिए एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये कहते हैं कि अब इन्होंने क्या कहा कि आपने ये जो इक्वालिटी है, फंडामेंटल इक्वालिटी है अकॉर्डिंग टू मैरी वुल्स्टन क्रॉफ्ट, वो अचीव कैसे करनी है, उसके मीन्स क्या है जनाब? थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं। उसके साथ साथ अगर आप देखें, जे एस मिल हैं आपके पास 19th सेंचुरी में, अब इनकी जो बुक है द सब्जुकेशन ऑफ वुमेन, इन्होंने एम्फेसाइज किया असेंशियल इक्वालिटी ऑफ वुमेन एंड मेन टू सी द नेचुरल डिफरेंसेस ऑफ बोथ जेंडर्स। तो इन्होंने क्या कहा कि जनाब आप जो असेंशियल इक्वालिटी है ना वो एक दफा कर दें और फिर देखें कि इन दोनों का पोटेंशियल क्या है। ठीक है, अब इन अदर वर्ड्स इसका मतलब यही है कि दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं और आप दोनों को इक्वल चांस दें, उसके बाद देखते हैं कि कौन अच्छा है। और उसके बाद देखें, ये बात साबित होगी ना विद द पैसेज ऑफ टाइम कि वुमेन आज किसी से कम नहीं है, मुल्क चला रहे हैं, कमांडर इन चीफ हैं भाई साहब। एक ऐसे फैसला करें तो वॉर शुरू हो जाए और वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए, छोटे मोटे कंट्रीज की नहीं, जर्मनी से आ जाए आप इधर ब्रिटेन, तो दोनों ऐसे कंट्रीज। ये तो एक तो है ना, हम जैसा कंट्री बन भी गया तो कोई बहुत, हमने तालियां वालियां बजा दी, लेकिन हम कोई इन्फ्लुएंशियल को कंट्री नहीं है पूरी दुनिया में ना। उनकी पॉलिसीज एक दाएं से बाएं वो स्टेटमेंट दें या कोई काम करें तो क्या हो जाए, गड़बड़ हो जाए। वहां की वो कमांडर इन चीफ और बड़ा अच्छा जबरदस्त मुल्क चला रहे हैं। तो मिल का जो आर्गूमेंट है ये बेसिकली था यूटिलिटेरियन ग्राउंड्स पे। यूटिलिटेरियन क्या है फिलोसफी? क्या बेसिकली बेंथम की थी, है क्या ये फिलोसफी? हाँ जी, इन्होंने सही उसको पुट कर दिया बासित ने, मैक्सिमम गुड या मैक्सिमम प्लेयर। प्लेयर का मतलब क्या है? फैसिलिटीज या अपॉर्चुनिटीज या इस किस्म की चीज है। ठीक है, फॉर मैक्सिमम पीपल उसका, और इसको अगर इन अदर वर्ड्स पुट किया जाए, मैक्सिमाइज द प्लेयर एंड मिनिमाइज द पेन। ठीक है, पेन क्या है कि आप लोगों को कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो नाखुश होते हैं, अब कोई भी लॉ बनता है। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, ये स्टेट के लिए है ये फिलोसफी जो है ना, इंडिविजुअल के लिए नहीं। ठीक है, अब देखे ना इसकी एग्जाम्पल ये है, अब एक डॉक्टर के पास पांच बंदे चले जाएं, ऑलरेडी डॉक्टर साहब एक ऐसे बंदे को चेकअप कर रहे हों जिसको ऑर्गन चाहिए, वाइटल ऑर्गन उसको दो तीन चाहिए। ठीक है, या अगर इसको अगर रिवर्स कर दिया जाए, नंबर एक बंदा है मर रहा और आपको पता है कि इसने, इसका कुछ हो नहीं सकता, एक तो इसमें कंसेंट आ जाएगी, साथ आप इमेजिन कर लें एक हेल्दी भी है, और पांच छह या दस को ऐसे बंदे हैं जिन्होंने उनको वाइटल ऑर्गन चाहिए, तो आप डॉक्टर साहब क्या करेंगे? या उसके कंसेंट के बगैर जो बीमार बंदा है उसको कहें कि इसने तो वैसे ही मर जाना है 10 दिन में ना, उसके ऑर्गन ले लें, या वो एक हेल्दी बंदा है उसके ऑर्गन ले लें और बाकी 10 बंदों को लगा लें। अब इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग तो यही करना चाहिए ना कि 10 बंदों की आप जान बचा लेंगे, दो उड़ जाएंगे या एक उड़ जाएगा तो इट्स ऑल राइट। सो ये इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? स्टेट के लिए। अब स्टेट क्या होती है? स्टेट चल रही है आजकल डेमोक्रेसी पे रही है। सो डेमोक्रेसी क्या है? मेजोरिटी इज अथॉरिटी, बस बात खत्म। 51% अगर कह दें ये लॉ बनेगा, बाकी 49% को मानना पड़ेगा। ठीक है जी, ये क्या है उस तरह से कि वो बेशक नाखुश होते हों। अब आप कोई भी लॉ बनाएं, एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल होता है, आप आज पाकिस्तान में अब टैक्स लगाने की अशद जरूरत है ना, पिछले 10 15 50 सालों से नहीं, पिछले जितने भी साल से पाकिस्तान चल रहा है कि टैक्स है ही नहीं कोई मैक्सिमम, कोई
10 लाख के करीब को टैक्स देते हैं जो फाइलर हैं, ठीक है, बाकी तो वो भी नहीं देते हैं। सो ये क्या था, यूटिलिटेरियन ग्राउंड पे कि आप ये कर ही नहीं सकते कि आपकी फॉर इंस्टेंस अगर 50% पॉपुलेशन वुमेन की है तो आप उनको बिल्कुल यूटिलाइज ही ना करें, तो आप स्टेट को क्या करना पड़ता है, स्टेट के लिए तो सारे इक्वल हैं ना, मेल हो या फीमेल हो। तो उसने क्या कहा कि आप मैक्सिमाइज करते हैं प्लेयर को, यानी इंसेंटिव को या गुड को या अपॉर्चुनिटीज को। सो ही कंसिडर्ड सेक्शुअल इनइक्वालिटी एज स्लेवरी। तो उसने कहा ये जो तब अब जेंडर का तो जिक्र ही नहीं ना होता, दो सेक्सेस ही कंसिडर किए जाते थे, वन इज मेल एंड वन इज फीमेल। जेंडर तो फिर हमने देखा 1990s के बाद का किस्सा है कि जेंडर की बात शुरू हुई। सो इसने कहा कि ये वुमेन को अगर आप राइट्स नहीं देंगे तो ये तो ऐसे ही जैसे स्लेवरी है, कोई राइट्स ही नहीं है तो स्लेवरी हुई ना, जिसने जो जैसे कह दिया हमने मान ली। सो ही प्रपोज्ड रिफॉर्म्स ऑफ द प्रॉपर्टी लॉज, राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी आफ्टर मैरिज। तो ये सबसे पहले इसने कहा, हमने ये देखा था कि होता ये था कि वुमेन की जो प्रॉपर्टी होती थी आफ्टर मैरिज वो उसके हस्बैंड को शिफ्ट हो जाती थी सारी। तो इन्होंने कहा नहीं, उसी के पास रहेगी, यही आपके पास है उनको एक अच्छी बार्गेनिंग चिप देने का। सो बिगिनिंग ऑफ लिबरल फेमिनिस्ट मूवमेंट, इट क्रिस्टल इन 1963 विद पब्लिकेशन ऑफ बेटी फ्रेडन्स लैंडमार्क बुक द फेमिनिन मिस्टिक। सो फ्रेडन आइडेंटिफाइड द मेनी वाइट मिडिल क्लास American woman felt a dispiriting boredom or emptiness in the midst of affluent lives. तो यहाँ से बात शुरू होती है। अब देखें ना, ये जो लिबरल फेमिनिज्म है ये बेसिकली जो बात तो बहुत अच्छा पहले से चल रही थी, ठीक है, लेकिन जो पीक है वो कब आती है, बेसिकली सेकेंड वेव में। अगर आप उनको ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे, पहली में तो बहुत कोशिश की ना, मिला क्या, राइट टू वोट द फर्स्ट वेव थी। तो सेकंड वेव में इन्होंने कहा कि ये जो वुमेन एक बोर्डम का शिकार है ना, डेफिनेटली वेल ऑफ लोग हैं, इकोनॉमिकली वो बूस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली उनके पास वो पावर्स ही नहीं है, अपनी लाइफ के बारे में वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, सो उसका फायदा। सो इन्होंने इस किस्म की बात की। So frightened claimed women were being duped into believe homemaking was their natural destiny. ठीक है, वो कहते हैं कि वुमेन को ऐसे ये आइडियोलॉजी जैसे उन्होंने कुछ नशा किया हुआ है ना, सो इस तरह उनको ये बताया गया कि उनकी ये होम मेकिंग जो है ना, घर गृहस्थी के काम, घर संवारना, घर की जो सारा देखभाल है, यही आपकी अल्टीमेट डेस्टनी। आज आप रिलेट कर पा रहे हैं, आपके यहाँ भी यही तो मसला नहीं, उन्होंने ये बहुत पहले आइडेंटिफाई कर दिया था, वो कोई शुरू से कोई आसमान से नहीं उतरे हुए, ये कल की ही बातें हैं, कोई 50-100 साल पहले ही वो चेंज हुए हैं, और आज फिर वो देखे ना पूरी दुनिया को क्या कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, लेसन दे रहे हैं कि भाई देखो। अच्छा, इसका फिर जो फायदा है ये है, इक्वल पे एक्ट आया, प्रेजिडेंट कैंडी ने किया, सिविल राइट्स एक्ट आया जिसमें सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन जो एम्प्लॉयमेंट में होती है, ये सब कुछ किसके लिए है, वुमेन की जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें पार्टिसिपेशन को इनकरेज करने के लिए। टाइटल हमने 11 देखा था, इसमें जो स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन होती थी उसको एंड कर दिया कि नहीं आप ये नहीं कर सकते। फिर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन इन 1966, तो ये बेसिकली एक मूवमेंट थी जिनका ये इस किस्म के नारे ये लगाते रहते थे, व्हाट डू यू वांट, तो प्रोटेस्टर जो है होते थे वो जवाब में क्या कहते थे, फ्रीडम, और फिर वो पूछते थे अच्छा व्हेन डू यू वांट इट, तो फिर क्या था, नाउ। ठीक है, अब नाउ एड्रेसेस जो है इनके जो इश्यूज हैं वो क्या हैं, जैसे अबॉर्शन राइट्स के इश्यूज हैं, तो ये तभी का था ना, तभी इन्होंने जाके क्या किया था, ये जो अभी रो वर्सेस वेड केस रिवर्स सुप्रीम कोर्ट ने किया, ये तब इन्होंने किया था कि जनाब सबको अबॉर्शन राइट्स दे दो। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि ये वुमेन के पास राइट होना चाहिए कि उसने जो प्रेग्नेंट होना है नहीं होना है, उसको पता है ना उसका करियर कहाँ खड़ा है, कि अभी वो अफोर्ड भी कर सकती है बेबी या नहीं कर सकती। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के वायलेंस नहीं होना चाहिए, उससे पहले नॉर्मल बात है ना,
अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ ये सारा काम क्या है, नॉर्मल है। घर को फेंटी फूंटी लग जाए तो घर वाले उल्टा लड़की को कह रहे होते हैं कि भैया इसी ने कुछ किया होगा, क्यों तुमने भाई उसे गुस्सा दिला दिया। सो वो उल्टा उसको स्कोल्ड कर रहे होते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी या लीगल इक्वालिटी की बात की गई तो भाई साहब आपको ये लिखना पड़ेगा। फिर रेसिज्म का जिक्र है कि रेसिज्म इन्होंने कहा कि खत्म करो। वो जो अगर आपको याद हो कि सेकंड वेव में ये भी एक बात चली थी ना, क्या फिर समझ नहीं आई? हाँ, ब्लैक वुमेन के बेसिकली इन्होंने कहा था कि जब तक आप ये वाले काम रखेंगे ना, रेसिज्म रखेंगे सोसाइटी में, कुछ हो नहीं सकता। तो आपको ये जो हमने ये रेसिज्म की बेस पे क्लासेस बनाई हुई है ना, तो हमें ये क्लासेस को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, क्या नहीं, ये अमेरिका में बने सारे? नहीं, यूएनओ का इन्फ्लुएंस, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है यूएन का 1948 का, हाँ, उसमें तो इक्वेलिटी की बात की गई। इसलिए उसमें उन्होंने टर्म भी ना मेन यूज की, कुछ भी नहीं किया, और उन्होंने सब कुछ लिख दिया कि ना आप रेस को, तो गाइडिंग प्रिंसिपल तो वहीं से हमें आता है। लेकिन वो जस्ट अ डॉक्यूमेंट था ना, उसको मटेरियलाइज करना बड़ा मुश्किल काम। तो दोबारा दोबारा बताएं क्या होता यूएन का ने पाकिस्तान में लॉज, आइडियोलॉजी की आपने बात की। डेफिनेटली होता, अभी भी यूएन के थ्रू ही बनने। नहीं, यूएन जो है वो आपकी सॉवरेंटी को नहीं छेड़ता ना, आप सिग्नेटरी हो जाए फिर वो आपसे गड़बड़ करेगा, वो फिर आपको उस तरह से, अभी वो प्रेशराइज कभी उन्होंने किए ही नहीं है कि आपकी मेंबरशिप कैंसिल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर उस पे वो आ जाए, अभी कर रहे हैं ना, ईयू का जो आपको GSP+ स्टेटस मिलता है, आप ये जो आप रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ कर रहे हैं, वो बिल्कुल उसका नोटिस लेता है कि भाई वो आपकी छुट्टी करा देंगे, तो आपकी वो ट्रेड बैन कर देंगे, आप कोई एक्सट्रीम मेजर्स लें ना। अभी तो पाकिस्तान बेहतर कर रहा है ना इन चीज़ों में, ये थोड़ी अब देखें, अब कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। आज हम रेप देखेंगे तो आप देखेंगे कि रेप के कितने ज़्यादा लॉज हैं, उसकी कितनी पनिशमेंट है। इवन हैरेसमेंट की पंजाब पुलिस ने मोबाइल ऐप बनाई हुई है कि लड़की अब यहाँ बाहर खड़ी हो, को गड़बड़ करे तो उसकी वीडियो भेजे तो डॉल्फिन वाले पहुंच जाएंगे। तो पाकिस्तान काम तो कर रहा है। अब ये है कि लड़कियों को अवेयरनेस ही नहीं है कि कोई ऐसी चीज भी एग्जिस्ट करती है, या इनको तो कोई स्टॉप कर ले या पैसे को तंग कर ले, तो ये 50 दफा सोचती हैं कि एफ ये जाना है या नहीं जाना है। ये तो इस सोसाइटी का हाल। तो सबसे पहले तो खुद सोचना पड़ेगा ना, अब लॉज पड़े हुए हों, जिनको राइट्स मिल रहे हैं वो एक्सरसाइज ही ना करना चाहें, तो फिर सो उनको बताना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए राइट्स हैं। एक एक मिसाल कायम करो ताकि उसके दाएं बाएं ऐसी मिसालें कायम होती हैं ना, ताकि बाकी लोग इससे सबक सीखें और उनको पता चले। अब ये सेल फोन वाला तो वैसे ही बड़ा जबरदस्त काम है, लड़का लड़की को कॉल कर दे 4-5 दफा, उसको क्लियर टेक्स्ट मिले कि भाई आई डोंट वॉन्ट टू टॉक, वो फिर करे तो उसको FIA में ले जाओ, 2-3 साल वो अंदर रहेगा मजे से। मतलब क्या अवेयरनेस अब ये भी स्ट्रक्चरल इशू है ना। अब देखो, अब वो लड़की चलो फॉर इंस्टेंस करेज कर ले कि जहाँ मैंने FIA जाना, तो घर वाले फिर दया फटा कर दें, वो कहेंगे भाई इसी ने कुछ किया होगा, उसने ऐसे तो नहीं टैक्स किया। अब उनको ये नहीं पता कि ये फेसबुक दाएं बाएं कहीं से ये घुस आते हैं, पता ही नहीं चलता। हेलो अच्छा जी, सर, दी हुकम। सर गुड मॉर्निंग का मैसेज भी अगर कंटिन्यूस करे ना किसी को, अगर रिप्लाई ना, तो सर वो भी हरासमेंट के जुमरे में आते हैं, उसकी भी सर बिल्कुल सजा। आते हैं। हाँ, वो हमारे यहाँ वो बेचारे
शदीद किस्म के जो सिंगल लोग हैं ना वो इस किस्म के काम ही करते हैं। अब 6 महीने गुड मॉर्निंग के मैसेज करते रहे और कोई काम नहीं मिला, कभी तो रिप्लाई देगी ना। यहाँ लड़के जो हैं उनका प्रिंसिपल क्या है, ट्राई ट्राई अगेन, यू नो। तो इन्होंने इस बात को बहुत सीरियस लिया हुआ। क्या अच्छा, उसके बाद इनका रिपोर्ट अच्छा जी, चलते हैं आगे, उसको ट्राई को छोड़ देते हैं। सो लेस्बियन राइट्स पे इनका बहुत फोकस था जनाब, कि वो भी लोग एग्जिस्ट करते हैं और उनको भी आप एक्नॉलेज करें, क्योंकि ये बेसिकली तो सारी चीजें वुमेन सेंट्रिक थे ना, तब जो बात चल रही थी विद द पैसेज ऑफ टाइम। और उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस की बात, इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है कि आप इकोनॉमिकली उनको इक्वलिटी दें, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें और मामला सेट रखें। अब पीछे बातें सारी समझ आ गई उनकी, एक जो बात है, बाकी सारी तो चीजें शायद पहले ही आपको जो पीछे हमने पढ़ी हैं अंदाजा हो कि जो कंसेप्चुअल चीजें हमने पहले पढ़ी थी उससे मिलती जुलती। अब एक चीज जो उसमें नोटिस करने वाली थी वो क्या थी कि इन सब को अचीव कैसे किया जाए, ये जो सारे गोल्स हैं तो कैसे किया जाए। उन्होंने क्या हमें बताया, रिफॉर्म्स, एवोल्यूशन, ठीक है। अब आते हैं रेडिकल फेमिनिज्म, ठीक है जनाब। आपको कोई बंदा रिफॉर्म्स की बात करता नजर आए तो आपने क्या समझना है कि ये क्या है, लिबरल फेमिनिस्ट है। अब ये कोई बंदा अगर आपसे कहे ना कि जनाब इस ये तो सोसाइटी है ही ऐसी, सदियों से ऐसी है, ये चेंज हो ही नहीं सकती, आप किस एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, रेवोल्यूशन से चीजें चेंज आती, सो रेडिकल चेंज से ये रेवोल्यूशन निकला है ना, सो वो बंदा क्या होगा, रेडिकल फेमिनिस्ट। ये भी वहीं से सेकंड वेव में, क्योंकि जो सेकंड वेव थी वो हमने देखा था वो बेसिकली वुमेन इमेंसिपेशन की वेव थी, वुमेन लिबरेशन मूवमेंट भी उसको कहते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, क्योंकि पीछे जो है वो बातें आइडेंटिफाई हो गई, लेकिन वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, राइट टू वोट लेना बहुत बड़ी अचीवमेंट ना। उसके बाद से फिर अभी कुछ अर्सा गुजर गया था और कोई हलचल नहीं मची थी, और वर्ल्ड वॉर का मैंने आपसे जिक्र किया था वो बहुत इस मामले में डिसाइसिव हुई ना, कि हमारे सारे फौजी दोस्त तो जंग लड़ रहे हैं, पीछे क्लरिकल जॉब्स किसने करनी, फैक्ट्रीज में किसने जाना है, वुमेन ने, तो वहां गई और वहां से फिर हमें उनकी कैपेबिलिटीज का पता चला कि ठीक है। सो न्यूयॉर्क रेडिकल वुमेन या ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे वो नाव वाले थे ना, तो ये जरा रेडिकल वाले थे, ये विच हमने देखा था। तो ये बेसिकली किसको हटाने की कोशिश करते रहते थे, एम टू एरेडिकेट सेक्सिज्म। सेक्सिज्म क्या था, खामोशी छा गई किसी के, क्या सेक्सिज्म नहीं, सेक्सिज्म क्या होता है, हाँ आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ बायोलॉजिकल, वो तो सेक्स होता है, सेक्सिज्म, सेक्सिज्म अक्सर आप सुनते रहते हैं ना, ये बंदा बड़ा सेक्सिस्ट है, क्या मतलब है, हाउ फनी। शुरू में जब वो की कॉन्सेप्ट्स देखे थे उसमें लिखा हुआ है कि सेक्सिज्म क्या है, सेक्सिज्म है कि जेंडर से पहले दो सेक्सेस अज्यूम किए जाते थे ना, मेल और फीमेल। तो अगर आप सेक्स की बेस पे किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, सेक्सेस, ठीक है। और जो करने वाला होगा वो क्या होगा, सेक्स। वे मैंने शायद किस्सा भी सुनाया हो कि हाउस ऑफ कॉमन्स में डिबेट चल रही थी, तो एक भाई साहब उठे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो वैसे तो वहां बड़ा अदब एहतराम वाला मामला है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर एंड मिस्टर जो भी किसी का नाम हो, एडवर्ड हो, रिचर्ड हो, व्हाटसोएवर। तो एक फीमेल उनकी कोलीग थी, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, तो वो उसका नाम नहीं ले रहे थे, उसको कह रहे थे दैट लेडी लेडी लेडी, एंड तो
तो फिर स्पीकर ने उनको रोका तो उन्होंने बताया कि भाई साहब आपको नहीं लगता कि आपके जो रिमार्क्स हैं ये सेक्सिस्ट रिमार्क्स हैं, क्या आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, यही अगर आपका यहाँ को मेल कुलीग होता तो आप क्या उसको कर रहे होते, डिफरेंटली ट्रीट कर रहे होते। सो ये क्या है, इस किस्म की बातें रोज होती हैं। हम तो जहाँ जैसे वो पीछे वाला टोला हंस पड़ा ना जब मैंने सेक्सिस्ट कहा, तो हमारे यहाँ तो वो सेक्स इज वन थिंग, हाँ इट्स अ फैंटेसी, और कोई काम ही नहीं है। जहाँ उसका नाम आ जाए हमारी हंसी निकल जाती है। दुनिया में नॉलेज की और टर्मिनोलॉजीज की बड़ी ज्यादा उस तरह से वैरायटी है, तो आप ना इतना परेशान हो कर। तो वहाँ पे काफी अच्छी चीजें मिस थी, ताकि हमें बताया जाए या जैसे फैमिली को बताया जाए कि उनके राइट्स क्या है पाकिस्तान, तो ये चीज़ें नहीं थी। या अगर हैं तो चीज़ों को अच्छे तरीके से बताया नहीं जाता या इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, डरते हैं ना, कंट्रोवर्शियल होने से लोग डरते हैं। तो इसमें क्या जो है ये इंडिविजुअल्स हैं, क्या इनका प्रॉब्लम है टर्मिनोलॉजी को नॉक आउट करना या हमारी पॉलिसी मेकिंग का? हमें पॉपुलर होने का बड़ा शौक है ना, तो कोई एक बंदा वो उस किस्म की बोल्ड पॉलिसी उस तरफ चलता ही नहीं है ना, कंट्रीब्यूशन का वो उस तरह से सोचते ही नहीं कि हाँ मैं ये करिकुलम डिजाइन कर रहा हूँ तो इसका जस्टिस क्या है, कैसे किया जाए। अब एक टीचर है, अब मैं यहाँ ढकी छुपी बातें करूँ दाएं बाएं की, हर चीज जो है वो पर्दा डाल के बात हो, तो फिर तो जेंडर पढ़ लिया आपने। तो इसके जो डिमांड है ना, अब यहाँ कोई बंदा इस्लामियात का हो वो यहाँ आके एथिज्म शुरू कर दे तो आप तो परेशान हो जाएंगे ना, ये क्या है। तो यहाँ कौन सा बंदा इस्लामियात के लिए सूटेबल होगा जिसको डेफिनेटली एक एक चीज कुरान एक हदीस दाएं बाएं जितनी रिलीजियस चीजें हैं उन पे बहुत अच्छी ग्रिप है, उसके कॉन्सेप्ट्स बेसिकली जो हैं वो क्लियर हैं। तो हमारे यहाँ एक तो ये इसको आप कह सकते हैं एकेडेमिक डिसऑनेस्टी या इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, सबसे बड़ा मसला तो ये है। दूसरा, जिन लोगों को पता भी है उनको पॉपुलर रहने का बड़ा शौक है, क्यों हो ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि कैसी बात हो रही और क्या हो रहा एटसेट्रा। और तीसरी बात, यहाँ सब्जेक्ट को चूज करके थोड़ी आता, ऐसे ही दाएं बाएं पांच छह जगहों पे अप्लाई कर दिया, अच्छा वहां नहीं हुआ तो वहां चले गए और ऐसे ही जेंडर स्टडीज पढ़ लिया और फिर उसी में पढ़ाना शुरू कर दिया। खुद जेंडर का पता है या नहीं पता वो अलहदा बात। अक्सर आप ऐसे डिग्रीज में देखते हैं ना कि पॉलिटिक्स से नफरत है, किया पॉलिटिकल साइंस हुआ, आप हैरान रह जाते हैं कि किया इसने क्या। मुझे पता होगा कि मतलब मेरी सोसाइटी में कौन से प्रॉब्लम है, अगर वो अवेयर नहीं होगा तो एमएलए को कैसे पता चले, एमएलए खुद रहता है तो एक पॉलिटिकल स्टेट का टोटल ब्लॉक है। नहीं वैसे उस तरह से हम बड़े अभी क्रिटिकल जंक्चर पर खड़े हैं डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव में, सो चीज़ें बेहतर हो रही हैं उस तरह से देखा जाए। ये जो सारा पिछले अगर कहा जाए 2008 के बाद से जो सारी एवोल्यूशन हुई है, तो डेफिनेटली वो अच्छी थ्रिलिंग एक फील तो आती है। ये जो पिछले 4-5 माह में हुआ है ऐसे कहा पलट रही है, कभी किसकी तो कभी किसकी। सो नहीं मैं उस पर आप कर लूँ, आप डेफिनेटली आपका जो पॉइंट है वो टेक्नोक्रेट्स का और ये जो हमने नहीं मेंबर एक्चुअली डिवीजन तो रहती है, डिवीजन का मसला नहीं है वो। तो जब ब्रिटेन में ब्रेग्जिट हो रहा था तो डिवीजन थी और 51% ने एक तरफ वोट दिए थे और 49 ने एक तरफ दिए, इतनी बड़ी क्लियर डिवीजन थी ब्रेग्जिट में। तो डिवीजन इज आप कह लें कि ब्यूटी ऑफ
डेमोक्रेसी ना डिवीजन का इशू नहीं है। असल ये है कि कुछ बेसिक चीजें हैं जो उन्होंने तय कर ली हैं, हमने वो भी नहीं तय की। जैसा कि अब अजान हो रही है तो चुप हो। अच्छा जी, बात कहाँ पहुंची थी। सो बात हुई थी कि हमारे यहाँ जो बेसिक फ्रेमवर्क है ना वही नहीं ना तय हुआ। अब वहां बेसिक फ्रेमवर्क तय हो गया कि जनाब वुमेन आर इक्वल। अब उसके लिए सबके मेथड डिफरेंट हो सकते हैं, कोई थोड़ा उस पर कोशिश करेगा तो कोई ज्यादा करेगा। हमने तो एज अ सोसाइटी भी यही नहीं ना तय किया कि वुमेन की क्या रोल क्या होगा, बाकी जो जेंडर्स हैं उनका रोल क्या होगा। जब वही नहीं तय हुआ तो फिर पॉलिटिशियंस भी तो हम में से हैं ना, वो को आसमान से उतर के आ जाएं। तो सोसाइटी को अल्टीमेटली चेंज होना पड़ेगा ना, वो कैसे हो सकते थ्रू एजुकेशन, और कोई ऑप्शन नहीं। और ये ग्रेजुअल प्रोसेस, 50 साल लगे 100 साल लगे इतना देखना पड़ेगा। क्या क्या पता कोई ऐसी बड़ा चेंज आ जाए, हर चीज़ रिवर्स हो जाए। हिस्ट्री ऐसे थोड़ी है कि हमेशा कोई आगे की तरफ ही चलती है, हिस्ट्री रिवर्स भी हो सकती है। सो ये है। सो अभी तक तो जो उनकी पॉलिटिकल डिवीजन है ना, पॉलिटिशियंस को ब्लेम करना इट्स वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, बैठ के कर दिया। लेकिन सोसाइटी भी तो वैसी है ना, सोसाइटी की पॉलिटिकल साइंस को बहुत को हाई फाई है, नहीं उतनी है। लोगों को पॉलिटिक्स के अलिफ बे नहीं पता, तो वही बंदे इलेक्ट होके जाएंगे ना जिनको नहीं पता। तो वही तो पॉलिटिशियन वो बातें करता है जो आवाम सुनना चाहते हैं, बेशक हो तो उसको बड़ा जबरदस्त सारी चीजों को बताओ, वो रेड लाइन वो क्रॉस ही नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम सोसाइटी का है, पॉलिटिशियन तो आके अपना एजेंडा देगा, कहानी अच्छी सुनाएगा, लोग सुनेंगे, वोट देंगे, एंड ऑफ हिस्ट्री। ओके, सो ये कुछ मोमेंट्स हैं जिन्होंने कहा कि भैया ये सेक्सिज्म खत्म करो। एंड ऐसे जो जैसे ये है न्यूयॉर्क रेडिकल वुमेन वाले हैं या रेड स्टॉकिंग है, ये क्या है, रेडिकल फेमिनिज्म के टॉर्च बेरर। अब रेडिकल फेमिनिज्म इज रेडिकल बिकॉज इट इज वुमेन सेंट्रिक। इन्होंने सारा फोकस किस पे कर दिया के वुमेन पे। लिबरल वाले क्या थे, ऑल जेंडर्स। तो इन्होंने कहा भैया एक हमें नया एक सोशल ऑर्डर बनाना पड़ेगा जहाँ पे वुमेन जो हैं वो मेन के सबॉर्डिनेट तो रह ना ना पाए। ठीक है, इक्वालिटी की बात हो रही है यहाँ। सो ये गाइनोसेंट्रिक है। व्हाट इज गाइनोसेंट्रिक? गाइनोसेंट्रिक होता है कि आप जो हैं वो वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू को किसी भी मामले में इंक्लूड करें। ठीक है, बजाय इसके कहें कि इसकी क्या सुननी।
So radical feminism is concerned with women rights rather than gender equality. ये भी आपने देखना है कि women, 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 ये इनका agenda है. So main cause of women subjugation is patriarchy. इनकी नजर में जो main cause है वो क्या है? Patriarchy है. कि society जो है वो क्या है? Patriarchal है. So patriarchy क्या? Male dominance. So radical feminists rejects the view that women subjugation is linked with their biological inferiority. तो ये कहते हैं कि भाई साहब ये जो आपने ये कहा हुआ है ना कि ये तो बायोलॉजिकली ऐसी होती हैं और इस किस्म की जो बकवासियात हैं ये नहीं चलेंगी और ये आपको मानना पड़ेगा कि ये बिल्कुल इक्वल है. सो इन्होंने कुछ टाइप्स हैं. रेडिकल लिबर्टेरियन हैं. ये कहते हैं कि वुमेन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज अ व्हीकल फॉर ऑपरेशन विद इन सोसाइटी. तो ये कहते हैं कि वुमेन को एक्चुअली जो बच्चे पैदा करने वाला या रिप्रोडक्शन वाला सिस्टम है ये होने ही नहीं चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये इसको क्या कर देता है? ओप्रेस कर देता है. व्हीकल ऑफ ऑप्रेशन है विद इन सोसाइटी. उसके बाद ये रेडिकल लिबर्टेरियन ही लिखा हुआ है, रेडिकल कल्चर होना चाहिए फेमिनिज्म. सो ये वुमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट्स एज अ टूल ऑफ वुमन एम्पावरमेंट. अब ये कहते हैं कि नहीं भाई, ये रिप्रोडक्शन तो मेन के पास तो नहीं है, ये किसी और जेंडर के पास तो नहीं है, तो ये तो आपके पास प्लस पॉइंट है ना, तो आप इसको अपने फेवर में यूज करो. तो ये इसको क्या कहते हैं? एज अ टूल रिप्रोडक्शन को देखते हैं. और ये जो रेडिकल डोमिनेंस फेमिनिज्म, ये कहते हैं कि मैक्सिमम डिस्कनेक्शन फ्रॉम मेन. अब ये जरा ना सख्त स्टांस लेते हैं. रेडिकल होते क्या है, जरा मामला सख्ती से हो. सो ये क्या कहते हैं कि भाई साहब वो मेन से तो हम नाते ही तोड़ दो ना. ठीक है, ये तो होते ही ऐसे हैं, वो वाली सेंस ही. हालांकि गलत बात है, अल्टीमेटली आपको इंगेज करना पड़ेगा फिर ही कुछ बात होगी. पॉलिटिक्स का भी यही असूल है और सोसाइटल असूल भी यही होना चाहिए. अगर आप क्या किसको, खलीलुर रहमान को? तो उसमें कौन था? नहीं, वो एक्सक्लूजन की तो वो बात करते ही नहीं है कि आप बिल्कुल ही उस तरह से एक्सक्लूजन में चले जाएं और मेन से रिश्ता तोड़ दें. वो लिबरल ही हैं ज्यादा, मोस्टली हमारे यहाँ लिबरल फेमिनिज्म. वो इंगेज करते हैं ना उस तरह से. अब एक आप लाइक माइंडेड या जो दूसरे लोग हैं जो आपके अगेंस्ट हैं, अपोनेंट्स हैं, सबको एक ही तराजू में तोड़ के तो ये मेन तो हैं ही ऐसे. सो वो गड़बड़ है, वो ये तो बात नहीं करते. जी बताइए. सो ये नंबर वन और नंबर टू जो आपने टाइप्स ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म लिखी है दोनों सेम? हाँ, ये जो सेकंड है ना, रेडिकल कल्चरल फेमिनिज्म है, ये लिबर्टेरियन लिखा गया. ओके सर. So women must look at themselves for self-realization. तो उन्होंने कहा कि हमें किसी और gender की या particularly men की कोई खास जरूरत नहीं है, आपको खुद ही realize करना पड़ेगा और खुद ही change लाना पड़ेगा और खुद ही सारे काम करना पड़ेंगे. So इस किस्म के उनके agendas हैं. ये कुछ देखिए कि ये कहा जा सकता है वैसे आर्गुमेंट. जैसा कि बस क्या प्रैक्टिकल अप्रोच है नहीं, हंसने वाली बात नहीं होती. हर एक बात पे हंस दिया और आप लोग हंसने के बहाने तलाश कर रहे हो या हम लोग हंसना है बात तो करें. अच्छा, बात वो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों देखी जाए. नहीं हो रहा क्या? मैं तो सर खुश मिजाज स्टूडेंट है सर. आप
भाई अच्छी बात है, लेकिन हर बात पे हंसना तो पागलों का काम होता है। हेलो सर, जस्ट अ सेकंड। अच्छा आपने भी बात की, वो कुछ ऐसी बात है कि डेफिनेटली हम एब्सोल्यूटिज्म में किसी चीज को नहीं देखना चाहिए। हम अगर ये बात करें कि हाँ हर घर में ही जो है वो मेल जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है फीमेल को, वो भी गलत बात है। सो वो उस तरह से इस पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि जरा से ये पोलाइट से लाइट से कोई ऐसे प्ले कार्ड्स होने चाहिए, लेकिन ये भी इतना खार्श नहीं है। बेसिक एक डिमांड है ना। अब बंदा कहे कि कोई भी एक और को नारा बनाया जा सकता है, ये तो बिल्कुल बेसिक है ना, बिल्कुल बेसिक है। वो जो रेडिकल वाले हैं ना, वो तो कहते हैं भाई छुट्टी करा दो सबकी, ये तो फिर एक ही घर में आपसे डिमांड कर रहे हैं ना। वो लिबरल वाले तो वही है एंगेज करके चलो और सारा, तो उस तरह से इसको देखना चाहिए। रेडिकल अब इतनी सी बात से कौन सा रेवोल्यूशन आ जाएगा, खाना मर्द खुद करना शुरू कर दें तो बहुत बड़ा लंबा छोटा चेंज आ जाएगा। सो ये है। नहीं अब यहाँ पे जो ये प्ले कार्ड्स है ना, इन पे जो एतराज होता है, जो ऑब्जेक्शन है, वैसे नॉनसेंस किस्म का ऑब्जेक्शन है। वो इस तरह से वो कहते हैं कि ये कोई राइट्स की बात कर रहे हैं। अब आप इसमें ये पर्सपेक्टिव देख सकते हो कि इनके आप इश्यूज चेक करें ना, हमारे यहाँ बेसिक्स ही अभी नहीं मिले ना। बाकी तो बाद का किस्सा है कि बड़ी को मूवमेंट चले और इक्वल वेजेस की बात हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात हो। हमारे यहाँ तो ये डोमेस्टिक इशू ही अभी हल नहीं ना हुए। वर्क प्लेस पे तो अभी वुमेन को आप स्किल्स देंगे तो फिर आएगी, फिर वो बड़ी तादाद में होंगी, फिर जाके वो को राइट्स डिमांड कर सकें। अभी तो घर की गृहस्थी की बातें हो रही हैं, बेसिक चीजें नहीं मिली। तो ये है क्रिटिसिज्म जो होता है, वो होता तो ये है कि जनाब ये तो बिल्कुल छोटे छोटे मसले लेके आ जाती हैं, ये वुमेन के कहाँ से असल इशूज है। तो आप उसको इस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि असल इशूज हैं या नकल इशूज हैं। इशूज तो हैं। ये को जंप करके यहाँ आ गया। अच्छा सो ये है। सो रेडिकल फेमिनिज्म वाले क्या कहते हैं इनके? हाँ हाँ सॉरी आमिर असलम आप बताइए। हाँ जी बस एक्सक्यूज में कहना था। अच्छा मेरा ख्याल है यही कहना। सो रेडिकल लिबर्टेरियन फेमिनिज्म वाले और रेडिकल कल्चरल फेमिनिज्म वाले हमारे जो दोस्त हैं, ये इनके दो डिफरेंट स्टांस हैं, ये देख लेते हैं। एक बात करते हैं एंड्रोगेमी रिप्रोडक्शन और पोर्नोग्राफी, तीनों पे इनके डिफरेंट स्टांस हैं। एंड्रोगाइनी वाले जो हैं वो क्या कहते हैं? एंड्रोगाइनी क्या होती है? लिखा हुआ है नीचे, कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट मेल एंड फीमेल ट्रेट्स। ठीक है, आजकल जैसे हमारा दोस्त इलॉन मस्क कर रहा है, वो समझता है कि मैं इंटेलिजेंट आदमी। तो उसने क्या किया, अपनी एक उसकी एक और कंपनी थी, उसकी थ्रू सरोगेसी एक प्रोसेस है, उसके थ्रू अपनी एक और उसकी कंपनी थी, उसने उसकी जो सीईओ थी फीमेल उसके साथ मिलके उसके अब दो ट्विन्स हैं। तो उसके पीछे माइंडसेट क्या है कि दो जब इंटेलेक्चुअल लोग मिलेंगे, बेस्ट मेल और फीमेल ट्रेट्स वाली एग्जांपल ही है ना, तो एक को बड़ा जबरदस्त किस्म का सुपर ह्यूमन बीइंग पैदा होगा। सो इस किस्म का है। तो ये जो रेडिकल लिबर्टेरियन कहते हैं ना, ये कहते हैं कि अल्टीमेट गोल ही ये होना चाहिए, ठीक है। और ये जो दूसरे हैं ये कहते हैं, ये जो कल्चर फेमिनिज्म वाले हैं, फेमिनिस्ट ट्रेट्स आर बेटर देन मैस्कुलिनिटी। तो ये क्या कहते हैं कि जो फेमिनिस्ट ट्रेट्स हैं वो तो बेहतर हैं, ठीक है, कल्चर वाले। फिर है रिप्रोडक्शन की। तो ये कहते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ रिप्रोडक्शन है ना, इसको खत्म कर दिया जाए, ठीक है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि भाई ऊपर तो रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये ट्रेडिशनल की बात नहीं कर रहे कि ट्रेडिशनल जो है ये जो हमारे यहाँ चल रहा है कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हुई है एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, नहीं, ये जो हॉस्पिटल्स में चल रहा है जैसे आपके टेस्ट ट्यूब बेबीज हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, वो कहते हैं रिप्रोडक्शन करनी है तो ऐसे करते रहो, ठीक है। और सोर्स ऑफ वीकनेस है ये फीमेल के लिए,
इसको ऐसे देखते हैं, आप इससे एग्री करें डिसएग्री करें, वो दैट्स योर ओपिनियन। और ये जो कल्चरल फेमिनिज्म वाले हैं, ये क्या कहते हैं कि ये क्या है, रिप्रोडक्शन एज अ टूल ऑफ एम्पावरमेंट। ठीक है जनाब, ये तो कहते हैं वुमेन को एम्पावर करती है। हमारे अच्छा हमारे यहाँ वैसे इनकी फिलोसफी ज्यादा मानी जाती है कि कोई और काम ना मिले तो हम मशवरा देते थे लड़की को कि एक बच्चा बच्चा कर लो और फिर देखो कि तुम्हारी घर में वैल्यू क्या बनती है। क्या बात। सो हमने भी ये पढ़ी नहीं हुई थी, जैसे कुछ लोगों ने द प्रिंस मैकियावेली एटसेट्रा नाम तक नहीं पता होता, लेकिन वो श्रूड इतने होते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं कि भाई इसका गुरु कौन है। सो दिस इज द गेम। सो पोर्नोग्राफी पे ये कहते हैं कि जनाब अलाउ कर दें आप, ठीक है, अलाउ कर दें, करने वाले 18 प्लस, देखने वाले 18 प्लस, व्हाट्स द पॉइंट। नेक्स्ट है वो कहते हैं नहीं, नहीं करना चाहिए अलाउ। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो कहते हैं कि इसमें जो फीमेल की ऑब्जेक्टिफिकेशन दिखाई गई है ना, दैट इज डेंजरस, ठीक है। और उसमें आपको किसकी नजर भू आती है पोर्नोग्राफी में, इनकी नजर में पेट्रियार्की की। तो वो कहते हैं कि अल्टीमेटली अगर आप इसको अलाउ रखेंगे तो वही पेट्रियार्कल चीजें ही करना पड़ेंगी। अच्छा, इनका ये जो स्टैंड है ना, अभी कहीं जिक्र हो रहा था, पता नहीं गार्डियन में या समथिंग किसी न्यूज पेपर में, क्या पॉर्न इंडस्ट्री जो है वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर रही, वो इक्वालिटी वाले प्रोडक्शन की तरफ जा रही। अब ये देखें ना, ये जो थीरीज होती हैं, हम तो हमारे यहाँ डिबेट इज जीरो, आप यहाँ पॉलिटिकल डिबेट नहीं कर सकते, ये बाकी बोल्ड डिबेट तो बड़ी दूर की बात है। ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं, हम तो प्रिटेंड करते हैं ना। वो जैसे जब वो ज़ैनब मर्डर केस हुआ, वो जो हुआ था कसूर में, रेप एंड मर्डर एटसेट्रा, अब उसमें पूरे पाकिस्तान ने क्या डिमांड कर दी, वो इमरान नाम था उसका जिसने वो किया था, तो क्या हमने डिमांड की कि जनाब उसको हैंग कर दिया जाए पब्लिकली, तो बहुत बड़ा जनाब प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा और आइंदा कोई ऐसे नहीं करेगा, बस ऐसे इस किस्म के जो हम वो इसको कौन सा मोड कहना चाहिए, ऐसे रिएक्शनरी मोड में चले जाते हैं। और वो ये जो जी जनाब सर, ये रेडिकल फेमिनिज्म के बारे में पूछना था, तो सर ये चाहते हैं कि वुमेन सेंट्रिक है और न्यू सोशल ऑर्डर चाहते हैं, सर ये इन आपकी आवाज कट गई। आ रही सर? हाँ जी, अब आ रही है, आप बताइए। सर ये रेडिकल फेमिनिज्म वाले चाहते हैं कि आपकी समझ नहीं आई ये। हाँ, नया सोशल ऑर्डर चाहते हैं, उसके बाद क्या आपने कहा? सर ये इनकी कुछ डिमांड विशलेस नहीं है? विशलेस जी सर, जैसे सर ये नहीं, विशलेस नहीं है वो उस तरह से। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो चेंज होता है ना, या जो नई एक सोशल ऑर्डर होता है, वो जब तक हो नहीं जाता ना, वो इम्पॉसिबल ही लग रहा होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले किसी मोनार्क ने ये नहीं सोचा होगा कि मेरी पावर को लिमिटेड हो जाएगी या ये अवाम के पास सारा मामला चला जाएगा, कभी किसी ने नहीं सोचा था। तो नया सोशल ऑर्डर आ गया, पोलिटिकल ऑर्डर हमने देखा, फिर उसने सोसाइटी को कैसे चेंज किया पॉलिटिक्स ने, वो आपके सामने है। अब देखें ना, आज से कोई 100-200 साल पहले वुमेन की जीरो पार्टिसिपेशन थी हर मामले में, आज देखें चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं। तो ये न्यू सोशल ऑर्डर ही आज जो हमारा है। आप पुरानी बातें देखें तो आप परेशान हो जाएंगे, चल क्या रहा था आज से कोई 200 साल पहले, आज तो वुमेन बड़ी फ्री है। आप तो बल्कि ये शायद आर्गूमेंट ले लें कि इनको और राइट्स कितने चाहिए, देखो इतने तो दे दिए। तो ये बात, अच्छा जी, बात मैं कर रहा था हजरत इमरान साहब की, तो हमने क्या डिमांड कर दी, हैंग कर दिया था। सो अब अगर
अब मसला ये हो गया है, मीडिया पे ज्यादा हाईलाइट होते हैं, न्यूज़पेपर में पहले भी आ रहे थे, तो ये जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चीजें आना शुरू हुई है ना, पहले इसको समझते कुछ नहीं थे। आपका मुल्क तो ऐसा था ना, कोई धमाका हो जाए, 100 बंदा मरे तो हम उसको कुछ समझते थे, अब 10-20 मर रहे हो तो हम रूटीन है उसको, हम हेडलाइन के एंड पे बता देते थे अच्छा धमाका भी आज हुआ। तो ये तो हालात थे इस मुल्क। सो इसमें अगर देखा जाए तो अच्छा, उसमें जो है कि दूसरी बात भी मैं बाद में करता हूँ, पहले इसको एड्रेस कर लूँ। अब पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट है कि आप सिवेरिटी ऑफ पनिशमेंट जो है ना, अब आप कहें कि अच्छा हैंगिंग भी मज़ेदार मामला नहीं है, लाइव टेलीविजन चलाते हैं और उसको तोप से उड़ा देते हैं तो वो शायद ज़्यादा इबरतनाक हो, ये होती है सिवेरिटी, बहुत ही शिद्दत से किसी को मार देना, ये है सिवेरिटी ऑफ पनिशमेंट। अब पूरी दुनिया में जो लीगल सिस्टम है उन्होंने इस बात पे कंसेंसस है कि जनाब सिवेरिटी से ज़्यादा श्योरिटी ऑफ पनिशमेंट, सर्टेनिटी कि कोई बंदा कोई काम करे तो वो श्योर हो कि भाई साहब 30 साल तो जेल में जाना पड़ेगा, या हैंगिंग है तो हैंग मुझे कर दिया जाए। हमारे यहाँ तो वो सिस्टम ही नहीं है ना, तो इसलिए हम उस तरह से, तो वो कोई हल नहीं है। अब देखें ना, अब उसमें दूसरी बात जो है, जो मैं बात कर रहा था डिबेट्स की, हमारे यहाँ जो कमी है, अब उसमें बाबर सत्तार अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस भी हैं, तो उसने कहा अच्छा उसको अगर लटका दिया जाए तो मेरे बच्चे, डेफिनेटली 2 बच्चे हैं, वो देखेंगे तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा किसने क्या किया। फिर उसने कहा कि हमने प्रिटेंड किया हुआ है कि जनाब जहाँ टेल्स ये हों कि पब्लिक डिस्कोर्स आपका ये है कि हमने प्रिटेंड किया हुआ है सेक्स, अब ये मेल फीमेल वाला नहीं, इंटरकोर्स की बात हो रही है, हमने प्रिटेंड ये किया हुआ है कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं ना करता, और बच्चे जो हैं वो तो परियां दे जाते हैं, ठीक है। तो जब वो ही नहीं किया हुआ तो ये रेप, इसके पीछे जो मोटिवेशन है, आप उसकी डेप्थ में एज अ सोसाइटी डिबेट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। वो तो उधर से कोई बात होती है, EU हमें कोई बात कर देता है तो हम रेप लॉज भी बना देते हैं, दाएं बाएं और बड़े काम कर देते हैं, तो वरना शायद हमें ये कभी समझ ही ना आए। जहाँ के अभी हमारे प्यारे खान साहब फरमाते थे वो जनाब कपड़े ये सही नहीं पहनते इसलिए इनका ये सारा काम हो रहा है, तो जहाँ माइंडसेट ऊपर से नीचे तक ये हो तो डिबेट हो सकती नहीं हो सकती। सो ये बात, कोई और इस पे आप बात करना चाहें? अभी तो उसके साथ छोटी सी दियत की सजा भी जी, वो ये इस्लामिक हिस्ट्री में ये रखी इसलिए गई थी एरिस्टोक्रेट्स को बचाने के लिए। दियत क्या होती है? आपने कोई जुर्म कर दिया है, इवन मर्डर कर दिया है, पार्टी से डील करो, जितने पैसे हो वो दो और अल्लाह अल्लाह खैर से ना, बात खत्म हो गई। तो वो भी है, ये जो करेक्शन, हाँ नहीं वो हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम अभी भी क्रिमिनल्स को हम समझते हैं कि नहीं इनके साथ तो सख्त से सख्त तरीन को मामला किया जाए ना। अब इसमें एक माइंड हंटर सीरीज है नेटफ्लिक्स की, वो आप देखें। अब उन्होंने एक 1970s की बात है, वहां भी पहले ये कॉन्सेप्ट था। आप कभी एक और डॉक्यूमेंट्री, कभी ऐसी चीजें देख लिया करें, कुछ नहीं होता। BBC पे डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है, YouTube पे लिखेंगे तो आ जाएगी, कैपिटल पनिशमेंट ब्रिटेन में कैसे खत्म हुई। तो वो ऐसे एज एन एक्सपेरिमेंट उन्होंने खत्म की थी, और बाद में हसीन इत्तफाक ही कह लें, वो हो गया कि एक बंदा जिसको कैपिटल पनिशमेंट मिली हुई थी वो 15 साल, बल्कि वो 5-6 साल से जेल में था, अब वो बैन ना होती
तो उसको तो अब तक हैंग कर दिया होना था, लेकिन वो बैन की उन्होंने 1964 में, एक बंदे ने डिमांड की थी, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उन्होंने कहा अच्छा एज एन एक्सपेरिमेंट कर देते हैं 5 साल के लिए। तो जब वो 5वां साल एंड होने वाला था ना, तो तब वो जो था वो ऐसा एक एविडेंस आ गया, पता चला ये तो बेकसूर। तो वहां से फिर एक और मोमेंट चली और उसके बाद से ये खेल खत्म हो गया। और बात जो आप कर रहे हैं, हम जो क्रिमिनल्स को देखते हैं हम उसी तरह देखते हैं। वेस्ट जो है वो वहाँ जो ह्यूमन डिग्निटी है, जो ह्यूमन के साथ वो इंगेजमेंट है, जो उसके में जो रिफॉर्म की एबिलिटी है, उसको वो बहुत एक्नॉलेज करते हैं। तो वहाँ वो कोशिश करते हैं कि आपको डेफिनेटली कोई ना कोई इंसान बनाए। और जो मैं बात कर रहा था, CIA के लोग थे, FBI के लोग थे, जिन्होंने सारा काम किया, रिसर्च की कि ये कैसे एक बंदा अपनी माँ का मर्डर करके उस मरी हुई माँ का रेप कर सकता है। वो माँ जिसने खुद उसको पैदा किया, बात समझ से ऊपर की है ना। तो उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया और फिर जाके उन्होंने यही बनाया कि हर इंसान की एक हिस्ट्री होती, उस हिस्ट्री की बिना पे वैसा करता है। तो हम उसको कभी भी, और जब हम ऐसे तो हम तो यहाँ हो तो हम उसको एनिमल डिक्लेयर करके, गोली का ऑर्डर करके और डिमांड करके बात खत्म कर देना, वहाँ वो ऐसा नहीं देख रहे। तो यही डिफरेंस है वहाँ को और यहाँ का। कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ की, जेल भी करेक्शन सेंटर्स है ना। हमारे यहाँ भैया की किस किस की बात करनी, हमारे यहाँ तो अभी तक फिर बात होती है पार्लियामेंट में पावर इट साहिनी, 3-4 तो अथॉरिटीज है हमारे पास। प्रेसिडेंट साहब कहते हैं चले उनकी फिर 18th अमेंडमेंट के बाद हमने कर्ब कर दी। जुडिशरी कहती है हजूर हमें मौका दीजिए, हम बताएंगे कि मुल्क कैसे चलना है। PM PM को छोड़ दें आप, PM तो शरीफ आदमी है, कोई भी हो, खान से ले के पीछे जितने भी PM आए। आर्मी चीफ साहब कहते हैं नहीं भाई आपको क्या पता, मेरे कोर कमांडर और मैं बेहतर समझता हूँ कि मुल्क कैसे चलना। उसके बाद आपके जो बाकी सारा ब्यूरोक्रेसी है, सिविल ब्यूरोक्रेसी, वो कहती है नहीं भैया हम बताएंगे कैसे चलना। तो ये पॉलिटिशियंस को तो आपने सिर्फ रखा हुआ है फेंटी लगाने के लिए और इनका कोई काम नहीं, क्योंकि इनको बैश करना आसान है, इनकी स्क्रूटनी बड़ा ज़बरदस्त काम है। तो इनको हमने लीगल अथॉरिटी दी हुई है, बस एक्चुअल अथॉरिटी नहीं है कोई भी प्राइम मिनिस्टर। तो जिस मुल्क का ऊपर की वो बात ही तय ना हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं नीचे वो लोग, उनके वजीर आला या पार्लियामेंटेरियन या ब्यूरोक्रेसी नीचे बैठ के वो देख रहे होंगे कि अच्छा जेलों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो बात का किस्सा, पहले ऊपर सबसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पहले, फिर सोशल रिफॉर्म लाते हैं। कौन अब उसमें भी ये है कि देर इज नो अदर ऑप्शन, क्योंकि दूसरा घर जो है ना वो उसमें खुश है अपना। पहले वो आ जाता था मार्शल लॉ लगा देता था, अब वो कहता है नहीं भैया पीछे बैठ के। अब उसमें फिनोमेना ये है कि अगर जो खान प्रोजेक्ट था, खान एक्सपेरिमेंट था, खान अगर परफॉर्मेंस दे देता था, परफॉर्मेंस कुछ डिलीवर कर देता, फिर आज बात और होती। ये जो GHQ पीछे गया हुआ है ना, ये ना होता। तो ये कोइंसिडेंट से हुआ है, ये नहीं हुआ कि किसी पॉलिटिशियन ने या इवन खान ने बहुत अपनी अथॉरिटी एक्सर्ट कर ली और उन्होंने उसको करने दी और उनको पीछे धकेल दिया, ऐसा तो हुआ नहीं। ये उनकी अपनी चॉइस थी, अपनी रियलाइजेशन थी कि पिछले 4 साल से मुल्क जो है वो उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं बन रही, तो उन्होंने फिर वहां से, वरना सीधी बात है जो एक्चुअल प्लान था वो तो अब सबको पता है, वो तो उसमें तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है कि हजूर आएंगे जनरल फैज साहब और वो फिर 6 साल रहेंगे, 3 साल अपने, 3 साल एक्सटेंशन और 27 का इलेक्शन करा के जाएंगे। ये ओरिजिनल प्लान, और ये खुद अब PTI के लोग, मिनिस्टर लेवल के लोग बात करते हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात ही नहीं। सो ये उन्होंने, इन्होंने नहीं धकेला ना, मसला ये वही बात है, वो तो खुद उन्होंने रियलाइज किया कि मुल्क आपका डिफॉल्ट
अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हो गया होना था, अब जो है वो नहीं, अब डिफॉल्ट तो नहीं हुआ, अब बातें हो रही हैं। नहीं नहीं, डिफॉल्ट होना एक और चीज है, ये पैसे वैसे आ जाना दाएं बाएं से और है, IMF पैसे दे देगा ना, डिफॉल्ट से बच जाएगा। सो दिस इज द गेम जी। सारी ट्रेड्स ओवरऑल जो फीमेल की ट्रेड्स होती है ना, वो मेल को बेसिकली इंफीरियर समझते हैं और फीमेल को सुपीरियर समझते हैं हर एतवार से। नहीं, ट्रेड्स क्या होते हैं एक इंसान के, ट्रेड्स मेंटल, नहीं नहीं वो कंस्ट्रक्टेड ट्रेड्स नहीं, जो एक्चुअल ट्रेड्स हैं कि जो आपकी मेंटल कैपेसिटी है, फिजिकल कैपेसिटी है, आपके जो ये जो दूसरी इंटरेक्शन की कैपेसिटी है, ये सारी ट्रेड्स होते हैं ना, वो ट्रेड्स नहीं जो हमने कंस्ट्रक्टेड पढ़ी थी, वो तो उनको रिजेक्ट करने के लिए हमने पढ़ा है ना, वो तो ये तो नहीं है कि बंदा कहे अच्छा मैन तो एंग्री होता है तो मैंने अब एंग्री रहना है तो इसकी ये ट्रेट होती है, नहीं, आप इंसान बन के भी रह सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, हर बात पे गुस्सा करना कोई जरूरी तो नहीं। तो ये है फेमिनिस्ट ट्रेट्स क्या होंगी, अब उसमें अगर बात करें तो वो वही जो डेफिनेटली बैक टू हम स्क्वायर वन से ले जाएंगे, तो उसमें अल्टीमेटली ये जो सबसे पहले जो बात करते हैं आप, अगर यही बात कर लें, ये रिप्रोडक्शन की, ठीक है, दूसरा ये वुमेन के बारे में वो जो हमने शुरू में पढ़ा था, दे आर मोर सोशलेबल एंड दे आर मोर जो लूप्स हैं उनके, दे आर मोर इंटेलिजेंट, सो इस किस्म की बातें। अब उनकी बात से आप एग्री नहीं भी कर सकते, उनका बेसिक प्रेमिस बेसिकली वही है, वो जो ट्रेड्स फीमेल में वैसे है ना, जो वैसे उसके प्लस पॉइंट्स हैं जो हमने वो नेचुरल एवोल्यूशन में या वो नेचर वर्सेस नेचर में पढ़ा था, सो उसको वो फोकियत देते हैं एज सच। सो इस किस्म की बातें चलें आगे जनाब, उसके बाद वो आपको देते हैं 7:45 पे, आपने भाग जाना यहाँ से। हाँ जी, नमाज बहुत जरूरी, नमाज दीन का सुतून। अच्छा, सो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म हजूर क्या कहते हैं, ये कहते हैं कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी रायर देन पैट्रियार्की। अब ये मार्क्सिस्ट ये हैं कौन भाई, ये कार्ल मार्क्स के फॉलोअर्स। कार्ल मार्क्स क्या कहता था, एब्सोल्युटली, तो वो कहते हैं ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, अब ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, आपकी जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन जिस किस्म की है ना, आप अगर एग्रीकल्चर सोसाइटी में रह रहे हैं तो वो उस तरह से मामला होगा, आप इंडस्ट्रियल में रह रहे हैं तो वो होगा। फिर वो कहता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में है, वो भी ये तय करे, अगर तो मैन के हाथ में है तो वो डेफिनेटली सुपीरियर होंगे, अगर वो उस तरह से फीमेल के हाथ में है तो वो उस तरह से होगा। सो ये मामला है, कर लेते हैं इस पे भी गुफ्ता शदीद, कर लेते हैं, टेंशन ना आप लें। सो कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, दैट इज वो कहते हैं प्रॉब्लम है। अब इसका क्या सिस्टम था, कम्युनिस्ट सिस्टम, अब उल्टा क्या सिस्टम है इससे अगेंस्ट कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में डिफरेंस क्या है, कम्युनिज्म में हर चीज किसके पास होगी, स्टेट के पास, सारा कुछ स्टेट कब्जे में है, लैंड मींस ऑफ प्रोडक्शन ए टू जेड सब कुछ, और इसमें कैपिटलिज्म में इंडिविजुअल के पास, माजिद साहब के पास, सर माजिद आप कह रहे हैं, वैसे मैंने ऐसे सुना, मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा ठीक, so rather than patriarchy, so ये तो ये कहते हैं भैया patriarchy इतना बड़ा issue नहीं है, ये जिसके पास economic power है ना वो ही decide करेगा। और उसके बाद इन्होंने क्या किया,
प्राइवेट प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा जिक्र किया। उन्होंने कहा जब से ये प्राइवेट प्रॉपर्टी आई है, ये एक्चुअली मार्क्स के साथ कौन था? एंगल्स। अब उसने कहा था कि भैया ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, इसने वुमेन को सबॉर्डिनेट कर दिया और मेन को सुपीरियर कर दिया। तो वहां से भी आपको ये बात मिलती। फिर वो कहते हैं जो सेक्सिस्ट ओप्रेशन है, ये सेक्सिस्ट ओप्रेशन फिर क्या बनेगा? अभी बताया था सेक्सिज्म क्या, सेक्सिस्ट ओप्रेशन क्या हो? ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ये बात सही। डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। सो सेक्सिस्ट ओप्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ क्लास ओप्रेशन बिकॉज मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट व्यू वुमेन एज सेक्स क्लास। तो ये कहते हैं मार्क्स जो है ना, वो सर्टेन क्लासेस की बात करता था। वो क्या कहता था कि दो क्लासेस हैं सोसाइटी में, एक प्रोलेटेरिएट और दूसरी बुर्जुआजी। प्रोलेटेरिएट गरीब गुरबा लोग, और बुर्जुआजी अरिस्टोक्रेट्स जो क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनके पास हर चीज है और वो लेबर को कुछ नहीं देते, प्रोलेटेरिएट को कुछ नहीं देते। तो दो क्लासेस थी, ठीक है। तो ये भी कहते हैं कि ये वुमेन भी क्या है, बेसिकली एक क्लास है, एक क्लास है, इकोनॉमिक क्लास है, कि जिनके इनके पास कुछ भी नहीं है। मीन द प्रोडक्शन किसके पास है? सारे मेन के पास, उस तरह से। सो इट क्वेश्चन द पैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ मैरिज दैट व्यूज वुमेन एज मेल प्रॉपर्टी। तो ये मैरिज को बेसिकली रिजेक्ट कर देते हैं। वे कहते हैं भैया ये जो आपने काम शुरू किया हुआ है ना, ये तो कुमरा से बात नहीं मुझे लग रही। सो ये है। सो उसके बाद है वुमेन आर जिल ऑफ ऑल ट्रेड्स। एक होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ये जिल ऑफ ऑल ट्रेड्स क्या होता है? जिल ऑफ ऑल ट्रेड्स होता है कि आप ये घर के जो काम होते हैं ना, सारे ही आते हैं जनाब आपको। आप अच्छी कुक भी हैं, आप अच्छी जनाब स्वीपर भी हैं, आप अच्छे बच्चे भी रेज कर सकते हैं, और हमारे भाई जो मेन हैं दे आर नथिंग। सो वुमेन आर इन आइसोलेशन देन फैक्ट्री वर्कर्स। तो ये कहते हैं कि अगर वुमेन की बात करें ना, तो वो डिसऑर्गेनाइज्ड घरों में बैठी हुई हैं, आइसोलेटेड हैं। तो ये हर चीज को ना इकोनॉमिकली उस तरह से देखते हैं। ये बात कब की हो रही है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की, 1860 से बात की। तो ये कहते हैं इनसे तो ऑर्गेनाइज तो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, जो को यूनियन बना के अपने राइट्स तो असर्ट कर रहे हैं ना। ये तो आइसोलेशन में है। तो आइसोलेशन में आप, मैंने पहले भी शायद कहीं एग्जांपल दी हो, आप जितने लोग बैठे हुए, आप जाके माजिद साहब से कोई डिमांड करें तो पूरी होने का इम्कान है, बजाय इसके कि आप एक बंदा जाए या ना जाए, या आप कभी अलहदा अलहदा हो तो शायद आप सोचे ही ना। यहाँ शायद आपको थोड़ा इंस्टिगेट किया जाए और आप जाके को हल्ला बोलते हैं कि भाई यूं नहीं चलेगा जैसे आप चला रहे हैं। सो ये तीन हमें वेज बताते हैं थ्रू विच वुमेन रोल बेनिफिट्स कैपिटलिज्म। ठीक है जनाब, कि क्योंकि इनका सारा एजेंडा क्या है? इकोनॉमिक। ये वो कहते हैं कि जनाब ये तो अल्टीमेट आप कैपिटलिज्म को फायदा पहुंचा रहे हैं, और ऊपर क्या बात हुई है? वो कहते हैं कैपिटलिज्म ही तो असल गड़बड़ है, पैट्रियार्की से ज्यादा कैपिटलिज्म मसला है। ठीक है, तीन तरीके हैं जिस तरह से वुमेन जो है वो बेनिफिट दे रही हैं कैपिटलिज्म को। नंबर वन इज वुमेन परफॉर्म डोमेस्टिक वर्क एज एन अनपेड लेबर या ऑन अनपेड बेसिस। ये जो आप अक्सर बात सुनते हैं कि वुमेन अब घरों में काम कर रही हैं तो ये तो अनपेड लेबर करती रहती हैं सारा दिन। वैसे आप इतने मुलाजिम रखें तो आपको कुछ तकरीबन को 100,000 रुपया शायद लग जाए इन सारे कामों में, कि आप एक शेफ सेपरेट रखें, स्वीपर सेपरेट रखें, कपड़े जो धोने वाला निज़ाम है वो सेपरेट हो, तो बहुत खर्चा हो जाए ना। सो उससे हमने बचना है, तो हमने क्या करना है, एक दफा की इन्वेस्टमेंट करनी है और शादी कर लेनी। सो दैट्स, हालांकि वो भी घाटे का सौदा भाई। अगर आप 50 लाख 1 करोड़ जितने भी आप शादी पर लगा रहे हैं, तो आम से आम बंदा भी को 5-6-10 लाख 20 लाख, आम बंदे जो हैं जिनकी कोई 20-25-30 हज़ार महीने की इनकम है, वो भी इतने पैसे शादियों पर लगा देते हैं। बेशक वो 3-4 साल वो जोड़ते रहें पैसे फिर जाके करें, तो वो भी तो घाटे का सौदा है भाई। अगर अच्छा सर्वेंट चाहिए तो उतने पैसे बचाओ, सर्वेंट रख लो। लेकिन उस पर सर्वेंट फिर आजकल मुश्किल होता जा रहा है ना रखना। तो बेबी को तो हम कहेंगे कि जनाब मजाजी खुदा है तुम्हारे भाई, क्या कर रहे हैं। ये बात मुझे अच्छी लग रही है।
सही बात है, डिपेंड करता है आपके पास कितने पैसे हैं। प्रोडक्शन ये किसी हॉस्पिटल से करवा देते हैं आप, किसी हॉस्पिटल से करवा देते हैं आपको। अगर आपको देखें वुमेन से कोई एतराज है तो हॉस्पिटल से आपको करवा देते हैं सारा मामला, और उसके बाद आजकल तो वो भी है ना, आप वो है उस तरह से, आप जैसे सरोगेसी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा और बड़े मेथड्स हैं, आप वो अडॉप्ट करें और उसके बाद नो प्रॉब्लम, बच्चे आप रखें, नस्ल आपकी चल पड़े। नस्ल आपकी है क्या ये नहीं मुझे समझ, नहीं नहीं जस्ट अ सेकंड, ये मुझे नस्ल की आज तक नहीं समझ आई। पल्ले आपके कुछ नहीं है, तनखा आपकी 15,000 है या 10,000 है, और नस्ल आप ऐसे बात करते हैं जैसे को अलेक्जेंडर की नस्ल रुक जाएगी और दुनिया फतह होने से रह जाएगी और आखिर में जाके को आपने इनकलाब लाना है। ये नस्ल की इफ्तार सब नहीं समझ आई मुझे आज तक, ये क्या चल रहा है। ये हर बंदे को ये फिक्र है मेरी नस्ल रुक जाएगी। वाह, सीजर का कोई बेटा नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ, दुनिया चलती रही, कोई इतना लंबा छोड़ा क्या तो नहीं, वो उस तरह से जो लीगल एयर्स जो हैं उनकी वो उस तरह से बात करते हैं ना, जिनको वो स्टेटस मिले कि आगे आपको लगे ना कि आपका जो खानदान आगे लेके चले। क्या हुआ, गेस्टस चलाता रहा, उसी सीजर के नाम पे चलाता रहा, वो भी ना होता, बड़े ऐसे गुमनाम जो हैं आपके अपने, आप प्रॉफिट देख लीजिए क्या हुआ, उनका जो मैसेज है आज भी चल रहा, जीसस की तो शादी नहीं हुई आज भी चल रहा। सो ये इट्स अ वेरी आप कह रहे हैं कि आपको एग्जैजरेटेड सही कॉन्सेप्ट है नस्ल वाला, कि नस्ल लाजमी बढ़ानी, आबादी बहुत बढ़ रही है को ख्याल करें। सो वुमेन परफॉर्म डोमेस्टिक लेबर, मेरा ख्याल है जितने आप हैं ना को 22 करोड़, कुछ भी नहीं होता, आप इजी हो जाएं, आप इन्हीं को कुछ संभाल लें, इनको अच्छी ट्रेनिंग दें, यही काफी हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी के अंदर भी जा सकते हैं भाई, आप जितने मर्जी बंदे पैदा करते रहे, उधर वो एटम बम्स बना रहे हैं, आपको उन्होंने एक चला के गायब कर दे रहे वो कुछ और बना रहे नहीं, हम वैसे तो एज अ सोसाइटी अगर देखें तो हम लोगों को जहाज बना रहे हैं, तो जहाज तो बड़ी दूर की बात, नहीं नहीं लोग जहाज हैं सारे, कोई सेंस ही नहीं है जहाज एरोप्लेन में। अच्छा इधर आते हैं, उसके बाद आपको ब्रेक भी देनी है। सो वुमेन परफॉर्म डोमेस्टिक लेबर ऑन अनपेड बेसिस, ठीक है ना, बड़ा प्रॉब्लम है, एंड प्रोवाइड केयर फॉर करंट जनरेशन ऑफ वर्कर्स। तो वो कहते हैं ये तो आप वर्कर्स को तो सारा उनको घर की देखभाल करके पाल पोस के सिस्टम को देती जा रही हैं, आप ऐसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये तो नहीं चलेगा। आगे वुमेन ऑल्सो रिप्रोड्यूस एंड सोशलाइज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वर्कर्स। तो वो ये कहते हैं कि अच्छा घर में तो आप उनको एक तो करना, रिप्रोडक्शन भी तो आप ही कर रहे हैं ना उनकी। एंड वुमेन कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कैपिटलिज्म, कि वुमेन जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। अब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल कौन सी है, मेकअप इंडस्ट्री, क्या है मल्टी मिलियन डॉलर इंडस्ट्री, बल्कि बिलियन डॉलर कहना चाहिए, कि पैसे ही पैसे हैं उसमें। तो वो कहते हैं कि आप उसी उन्हीं के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करके कैपिटलिज्म को फायदा पहुंचा रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली रूट कॉज है किसकी, इस सारी एक्सप्लॉयटेशन की जो आपके साथ हो रही है। इसी के साथ ही पढ़ के फिर आपको तो ये सारी इम्प्रैक्टिकल बातें, ये जेंडर बेसिस की दाएं बाएं। हाँ जी क्या हुआ, ब्रेक हो गई, अच्छा खुद ही ब्रेक नहीं है, 5 मिनट, 5 मिनट भाई साहब, 5 मिनट 7:55 पे मुलाकात है, ये भी इबादत थी है तो हम करें। अच्छा तो मैंने बंद कर दिया क्या,
क्लास के बाद आप पूछ रहे हैं, यहाँ तो पनिशमेंट मिली हुई है खड़े होने। बाबा तो नाम तो बाबा गुरु का नाम तो नहीं है तो बाबा
Thank
भागना हो तो करीम बाइक चला करीम पे आज वो है बाइक और करीम लगा हुआ है रनिंग पे सही वजह से सही बात लाइट्स Lights. एक सेंटर में क्या ऑन कर दो यार अभी भी हाँ ये नहीं ये सेंटर वाली ऑन हो रही है ये हो ना बाप अब इसको बंद कर
तीन मरतबा तो निकाह और तलाक वाला मामला चल रहा। अच्छी बात है, पंखे भी आज उसी तर्ज पे आ रहा। अच्छा जी, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट जो हैं, ये भी मार्क्सिज्म के, आपको पता है सोशलिज्म और मार्क्सिज्म को बहन भाई वाला इनका रिश्ता है या बहनों वाला इनका भाईचारा है। सो अगर देखा जाए सो ये कहते हैं कि वुमेन आर ओप्रेस्ड बिकॉज दे आर वुमेन एंड बिकॉज ऑफ देयर लो इकोनॉमिक स्टेटस। दूसरे कह रहे थे कि सिर्फ लो इकोनॉमिक स्टेटस, ये कहते हैं दोनों फैक्टर हैं, वुमेन होने का भी मसला है। सही है, सो ये है। सो पेट्रियार्की एंड कैपिटलिज्म आर ओवरलैपिंग एंड इंटरलॉकिंग सिस्टम्स ऑफ ओप्रेशन। तो ये साथ साथ फिर कैपिटलिज्म के साथ किसको ले आएंगे, पेट्रियार्की को। वो कह रहे थे कि पेट्रियार्की नहीं भाई साहब, आपकी जो कैपिटलिज्म है, जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है दाएं बाएं, वो एक्चुअली इशू है। फिर वो कहते हैं सेक्सुअल डोमेन ऑफ लेबर थ्रू विच मैन डोमिनेट द पब्लिक स्फीयर। दिखाई सही दे रहा नहीं दे रहा, इसको थोड़ा उधर कर दे, अब सही दे रहा। गुड, आपकी नींद पूरी हो गई। अच्छा, पावर नैप लिया होगा, जरा सा मजेदार काम होगा। सो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर थ्रू विच मेन डोमिनेट द पब्लिक स्फीयर व्हाइल वुमेन आर कस्टमरीली कन्फाइंड टू द प्राइवेट स्फीयर हैज सर्व्ड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिज्म इन अ नंबर ऑफ वेज। तो ये कहते हैं कि ये जो आपने सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की हुई है ना, और उसमें पर्टिकुलरली आपने कहा, अच्छा वादिद साहब आए, अच्छा मैंने कुछ सुना, कोई बात कोई ऐसी बात भी नहीं है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ, अब उन्होंने ये सुना है उन्होंने लगा कि शायद कोई इंटरकोर्स की बात हो रही। So this is the game, the sexual division of labor through which men dominate the public sphere. अब ये कहते हैं कि जो आपने sexual division of labor की हुई है और इसी के साथ साथ ये जो men ने public sphere को dominate किया है, public sphere क्या है, आपकी politics और ये जो profession में आप जैसी चीजें देखते हैं, ये गड़बड़। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या हो जाएगी, डिवीजन ऑफ लेबर ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ये मेल करेगा ये फीमेल करेगी, दैट्स द गेम। ओके, तो कहते हैं यही गड़बड़ है और इसी ने सारा कैपिटलिज्म को भी ये सर्व कर रहा है कि आपने वुमेन को सिर्फ प्राइवेट स्फीयर तक महदूद कर दिया है, तो इससे कैपिटलिज्म तो डेफिनेटली थ्राइव कर ही रही है और इसी के साथ साथ वुमेन जो है वो उसी तरह सब्जुकेटेड रह रही। सो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म आर्ग्यू दैट पैट्रियार्की सर्व्स कैपिटलिज्म, ठीक है, कि पैट्रियार्की जो है वो किसको सर्व करती है, कैपिटलिज्म को। और सोशलिस्ट फेमिनिस्ट असर्ट करते हैं कि मार्क्सिज्म एंड कैपिटलिज्म कैन वर्क टुगेदर। अगर आपने बिल ड्यूरेंट की द लेसंस ऑफ हिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें भी आपको इसी किस्म का आर्गूमेंट मिलता है कि कोई भी सिस्टम आइसोलेशन में नहीं चल सकता। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को, और ये हुआ भी ऐसा है, चाहते हुए ना चाहते हुए अमेरिकन डेमोक्रेसी जो है या अमेरिकन जो कैपिटलिज्म है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्लूसिव होती गई और अभी और ज्यादा वो इंक्लूसिव होती जा रही। स्वीडन के जैसे डेमोक्रेसीज हैं उनको देखा जाए तो वहां सोशलिस्टिक सिस्टम है, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन उनमें आप फ्रीली कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, तो आपको उनमें कैपिटलिज्म भी नजर आता है कि आप अपना काम कीजिए। So, yeah. Socialist feminists combine the study of class with the analysis of gender. तो ये फिर वही बात अगेन कि वो कहते हैं क्लासेस तो इकोनॉमिक क्लासेस तो डेफिनेटली हैं ही हैं, लेकिन उसको आपको एक और पर्सपेक्टिव से देखना है। वो कौन सा पर्सपेक्टिव है, जेंडर का पर्सपेक्टिव है, यानी ये दोनों चीजों को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं ना। ये भी कहते हैं कि कैपिटलिज्म मसला है, फिर साथ ही ये भी कहते हैं कि भाई आपकी जो पैट्रियार्की है ये भी मसला है। मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट क्या कह रहे थे, सोली वो आपको क्या कह रहे थे कि भाई पैट्रियार्की इतना बड़ा इशू नहीं है, असल इशू तो ये है कि इकोनॉमिकली किसके पास ज्यादा मामलात हैं। सो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट टेंड टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज मार्क्सिस्ट फर्स्ट, तो ये खुद को पहले मार्क्सिस्ट
कहना पहले समझते हैं ये apostrophe s बस ऐसे ही लग गया. But socialist feminists identify themselves feminist first and socialist second. ये बहुत बड़ा difference होता है ना. जैसे आपसे पूछा जाए कि आप पहले खुद को पाकिस्तानी समझते हैं या मुसलमान समझते हैं, तो बड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए वो बताना. और फिर जो आप एक लाइन लेंगे वहां से आपके माइंडसेट का पता चलेगा कि आप किस पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं. तो ये भी वैसे ही है ना. अब आप कहेंगे अच्छा ये तो ऐसे ही है, कुछ भी कह लो एक ही बात है, एक ही बात नहीं होती है, डिफरेंस आ जाता है. तो मार्क्सिज्म इज लाइक अ रिलीजन, उससे वो हटते नहीं है. मार्क्सिज्म का मसला ये कि सोशलिस्ट है ना, ये अडॉप्ट कर लेते हैं चीजों को. इट्स ऑल राइट. The goal of socialist feminism is to abolish the social relations that constitute women not only as workers and capitalists but also as women and men. So, ye kya kehte hain ki aapko jo social relationships jo hain inko abolish karna padega, and sirf as a worker ya capitalist nahi lekin as a man and woman bhi. Ye nahi hai ki aap sirf jaise wo keh rahe the marxist aap ye capitalism ko abolish kar do sab set ho jayega. ये कहते हैं नहीं, सोसाइटी को भी चेंज होना पड़ेगा मींस ऑफ प्रोडक्शन से हटके भी. अगेंस्ट द गिविंग ऑफ वुमेन ओनली पिंक कॉलर जॉब्स, ये कौन से होते हैं? ट्रेडिशनल होती है. और कोई बात इस एब्सोल्युटली कि ये जो हल्की फुल्की जॉब्स दे दी ना सेटिस्फाई. देखो भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वुमेन ना हो, रिसेप्शन पे बिठा दिया उसको 25-30 हज़ार 50 हज़ार दे दिया, लेकिन सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपको वुमेन ही कोई नजर ना आए. किसी को ऐसे टीवी चैनल में रिपोर्टर बना दिया, को हल्का फुल्का वो एंकर बना दिया, तो लेकिन बाकी जो है वो एक्चुअल जो है उसके पास कोई स्टे ना हो. सो इस किस्म की जॉब्स जी जी जॉब के हवाले से मेरा ख्याल है सबकी अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन है. आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि एक जो है वो खैर स्कूल ऑफ थॉट जो बड़े हैं वो तो दो ही हैं, लिबरल और रेडिकल. जहाँ क्या नहीं, ये उस तरह से नहीं है, क्योंकि ये तो वही लोग होंगे जो मार्क्सिस्ट हैं और उससे आगे फिर वो ये सोचेंगे कि हाँ मार्क्सिज्म इसको भी टच करता है. लेकिन ज्यादा लोग तो किसका इक्वालिटी का तो एबिलिटी का एवरीवन his ability each according to his work. हाँ तो वो सही है, अच्छा उसमें प्रिंसिपल है, ठीक है. मॉडर्न चल भी वही रहा, आपकी एबिलिटीज अगर नहीं है तो वो भी मसला है. अगर मैं यहाँ अच्छा काम ना करूँ तो फिर मुझे मसला हो जाएगा, या किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम नहीं कहना चाहिए बल्कि ये तो एक अच्छी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन तो फिर रुक जाएंगे ना. तो एबिलिटी पहले और उसके बाद चेक भी है आप कि जितना आप काम कर रहे हैं उतना आप आगे चलते जाएंगे. अच्छा जी, अच्छा ये वही है साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म. सिगमंड फ्राइड साहब हैं हमारे प्यारे दोस्त, जिन्होंने वो नेचर वाली बात हमें बताई थी कि बच्चा इतने साल का होता है तो ये उसका माइंडसेट होता है, फिर बड़ा होता है तो ये होता है, वो जो हमने सारा ऑडिपस एंड एवरीथिंग वो देखा था. तो इसमें बेसिकली वही है. ये कहते हैं कि जो आपके अनकॉन्शियस में चीज़ें इम्प्रिंट हो जाती हैं ना, वही असल में है सारा कुछ, और वहीं से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है जना. तो इसको ऐसे उस तरह करने की जरूरत नहीं. पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है. अभी सारी थीरीज आपने देखी, ये क्या कहते हैं, ये सारी थीरीज को आगे चैलेंज कर देता है कि भाई ये क्या आपने शुरू किया हुआ. हाँ सो वो कहते हैं कि बड़ी अच्छी वैसे मजेदार थीरी है कि कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो होती नहीं. अब मैं कह दूं कि सारी वुमेन ओप्रेस्ड हैं, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है ना इस क्लेम. रिसर्च के थ्रू बात हो सकती है, लेकिन फिर भी हम अंदाजा ही लगा सकते हैं रिसर्च में कितने लोग 10,000 का सैंपल बना लेंगे, 50,000 का बना लेंगे, वहां से एक अंदाजा लगा लेंगे. सो ये
सो ये कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं होती है कि आप ये कहें कि इनकी नज़र ऑब्जेक्टिव रियलिटी की आगे इंटरप्रिटेशन है। कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि आप ऑब्जेक्टिवली कह दें कि अच्छा ये एक थीरी तो ज़बरदस्त है, ये लिबरल वाले क्या बात है, ये रेडिकल वाले क्या बात है। तो ये क्या कहते हैं, इट रिजेक्ट्स द क्लेम्स दैट द क्लेम दैट देयर इज अ सिंगल थीरी दैट कैन एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। कहते हैं एक थीरी तो सिंगल हैंडेडली उस तरह से शायद हमें एक्सप्लेन ही ना कर पाए। अब देखें ना, कुछ बातें रेडिकल फेमिनिज्म की अच्छी आपको लगती हैं, कि कितना आपको और कितने साल चाहिए। जैसे वो मैंने किसी अफ्रीकन अमेरिकन का बताया था कि अभी उसका इंटरव्यू हो रहा था ना, तो उससे उन्होंने पूछा कि भाई चेंज तो आ रहा है ना, ब्लैक्स को राइट्स मिल रहे हैं, ये जब जॉर्ज फ्लॉयड वाला मामला हुआ। तो उसने फिर कहा कि अच्छा मुझे तुम ये बता दो, एंकर जो तो था वहाँ ये, कि तुम्हें और कितना टाइम चाहिए, हम उसके बाद जाके कोई सोसाइटी को चेंज करने की बात करेंगे, तुम आज मुझे रिटर्न फॉर्म में दे जाओ कि 50 साल में हम ये कर लेंगे। तो उसने कहा जब आपने टाइम फ्रेम ही नहीं तय किया हो तो चीज़ें डिले होती रहती, तो फिर किसी को तो आवाज़ उठाना पड़ती है ना कि ऑल टुगेदर सिस्टम बदल, और बदल भी जाते हैं, ये नहीं होता, होता टफ है ये। हिस्ट्री में चंद इवेंट्स होते हैं, जैसे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला मामला, कि ये नहीं होता कि बिल्कुल ऐसे कोई आप उस तरह से कर ही कुछ ना पाए, बदल लेते हैं आप। सो डिपेंड करता है सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी क्या चाह रही है। तो ये है नेक्स्ट इज ये रिपोस्ट फेमिनिस्ट हैं, इट रिजेक्ट्स द क्लेम दैट देयर इज एनी सिंगल यूनिवर्सल एसेंस और कैटेगरी ऑफ वुमन। ये भी कहते हैं एक कैटेगरी है वुमन की नहीं, बाकी सारे तो बात कर देते हैं ना कि सारी वुमेन इस पर्सपेक्टिव में ही देखो। अब ये कहते हैं भाई वर्किंग क्लास और है, एक जो हाउस जॉब सॉरी हाउस वाइफ है वो और मामला है, एक वुमेन ब्लैक है तो वो और है, एक वाइट है तो उसका एक और प्रिविलेज है, एक एशियन है तो और है, एक यूरोपियन वुमेन है वो और है। तो कोई एक कैटेगरी तो बना ही नहीं सकते। तो ये है, फिर वो कहते हैं कि रेस, क्लास, नेशनैलिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड अदर फैक्टर्स प्रिवेंट सच यूनिटी एंड यूनिवर्सैलिटी। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं जो वेरी करते हैं। अब पाकिस्तान की वुमेन और है और अमेरिकन वुमेन एंटायरली मामला ही और है, तो आप एक थीरी दोनों के लिए दे ही नहीं सकते। तो ये बात, नो सिंगल बेसिस फॉर वुमेन सबॉर्डिनेशन एंड नो सिंगल मेथड ऑफ डीलिंग विद द इश्यूज। अगर कोई सिंगल बेस ही नहीं है उनके सबॉर्डिनेशन होने की, कहीं पे पेट्रियार्की होगी तो कहीं पे कैपिटलिज्म होगी, कहीं पे सिस्टम ओपन होगा और वुमेन का अपना कसूर होगा। ये नहीं है कि उन्हें अवेयर भी किया जा रहा होगा, लेकिन वो कहेंगे कि जनाब हम इसी खाम ख्याली में खुश हैं और हमें कुछ ना बताओ, वो भी इशू हो सकता है। तो आपने सबको इंडिविजुअली देखना है, सारे ग्रुप्स को कैटेगराइज करें और फिर उनको उसी तरह का फार्मूला दें कि भाई ये आपके मसले का हमारे पास अच्छा सा कोई नुस्खा है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज डीकंस्ट्रक्ट मेल लैंग्वेज एंड अ मैस्कुलिन व्यू ऑफ वर्ल्ड बेस्ड ऑन लैंग्वेज, डिमोलिश बाइनरी कॉन्सेप्ट्स। तो ये कहते हैं भाई ये जो लैंग्वेज की बेस पे आपने ये सारा खेल रचाया हुआ है ना, जैसे पहले वो जेंडर लैंग्वेज का जिक्र होता है, वो क्या है, जैसे पुलिस मैन माइंड में हमेशा ये आए कि हाँ मैन ही पुलिस में जा सकता है, बिजनेसमैन, चेयरमैन, ठीक है, इस तरह करके। सो वो कहते हैं ये जो जितने भी जेंडर है ना, इवन जो आपके स्कूलिंग में ज्यादा वो प्रॉब्लम है कि आप एग्जांपल्स भी वो अच्छी अच्छी जो हैं वो आपने मेल के लिए रखी हुई हैं, जैसा कि टॉयलेट किसी का जिक्र करना हो, इस रफ्तार से वो प्लेन चला रहा है और ये हो जाएगा तो फिर क्या होगा, मैथमेटिक्स में जैसे इक्वेशंस होते हैं, लिटरेचर में आपको वो मिलती हैं ऐसी चीज़ें कि घर का जो है वो हेड कौन है, इस किस्म की चीज़ें। सो वहाँ से आपको बहुत सारा आप इन्फ्लुएंस होते हैं ना अनकॉन्शियस, आपको खुद नहीं पता होता कि ये क्या चल रहा। अब जेंडर लैंग्वेज वाला आपने कभी, वैसे तो आप ही शीट दाएं बाएं सारा यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप जेंडर लैंग्वेज को देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ यार ये तो वाकई गड़बड़ है, मैं भी यही यूज़ करता हूँ। सो ये चल रहा। नेक्स्ट पॉइंट इज रिफ्यूट मेटा नैरेटिव्स। ये जो बड़े बड़े नैरेटिव्स हैं ना, द वुमेन और ऑल वुमेन और ओप्रेस्ड, नहीं वो कहते हैं भैया ये नहीं है, ये मेटा नैरेटिव्स आप ज़रूर दीजिए, लेकिन ये क्या है, इनकी कोई वैलिडिटी नहीं है, कुछ वुमेन तो होंगी ना। तो बेसिकली ये जो यूनिवर्सैलिटी है, एब्सोल्यूटिज्म है ना, कि भाई 100% यही बात नहीं। तो सोशल लाइफ में देखें आप, पॉलिटिकल लाइफ में देखें,
ऐसी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। पॉलिटिक्स में एब्सोल्युटली राइट रॉन्ग एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर रहा होता। हमारे यहाँ वही प्रॉब्लम है ना, एक जबरदस्त पार्टी देखा उसको फिर अंधाधुंध लग गए भैया यही हमारी पार्टी है, यही हमारे कायदे मुहतरम है और बस हमने अब दूसरे को नहीं छोड़ना। हालांकि आप देखेंगे कि एक मौके पे एक ठीक होगा, दूसरे पे दूसरा ठीक होगा। तो एज ए सिटीजन आपको यही देखना चाहिए, सोसाइटी भी ऐसे ही होती। अब हो सकता है यहाँ को बात कर रहा हो वुमेन पे, वो सही बात कर रहा हो सकता है वही बात दूसरा बंदा एग्जैजरेट करके पेश कर रहा हो, उस तरह से मामला ना हो। सो ये मेटा नैरेटिव्स गड़बड़ है और ये असेंशियलिज्म को भी रिजेक्ट कर देते हैं। असेंशियलिज्म क्या? हाँ जी बताइए, सत्ताधारी हो गया, खामोशी, बहुत ज्यादा खामोशी, बताना पड़ेगा, मुझे तो पता ही नहीं है क्या होता, ऐसे गलती से लिखा गया। हाँ जी पहले नहीं कोई और तो बिल्कुल भी नहीं, खामोशी छा गई माइंड में। सर्टनली देखिए एसेंशियलिज्म सिगमंड फ्रॉयड का था जिसमें उसने क्या कहा था, वो जो सारी स्टेजेस हमने देखी थी वो के नेचर वाले जो सारे आर्गुमेंट थे कि आपकी जो इनेट चीजें हैं जो नेचुरल चीजें हैं वो ही डिटरमिन करती हैं। वो जो ब्रूस केस हमने देखा था और फिर ब्रूस से ब्रेंडा हुआ एंड देन फिर हमने उसको डेबिट बना दिया, तो वो क्या था, असेंशियलिज्म था कि आपकी जो नेचुरल एक इनेट मामला होता है ना बाय बर्थ ही जो चलता आ रहा है, अब मेल है ही ऐसा वो कहता है आप उसको बदल नहीं सकते, फीमेल है ही ऐसी आप उसको बदल नहीं सकते, तो ये है असेंशियलिज्म। तो ये आपने दोबारा एक दफा रिविजिट कर लेना है, इसी को पिछले एक आधी स्लाइड्स में आपको ये मिलेगा। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कि नेचर जो है ना वो उस तरह से नहीं है कि नेचुरली को ऐसा मामला नहीं है कि मेल है ही ऐसा, तो ये क्या कहते हैं नर्चर मसला है, ये उसकी बात मानते हैं। तो असेंशियलिज्म रिजेक्ट हो गया नेचर। नहीं सोल्यूशन उसी तरह का कि आपको वो कैटेगराइज करें ना हर चीज को और दूसरा ये डीकंस्ट्रक्शन करें हर चीज, मेल डोमिनेंट जो एक कल्चर है लैंग्वेज है एट रीजन। हाँ बिल्कुल, अब पाकिस्तान अब अमेरिकन वुमन पाकिस्तान पे कमेंट करें तो उसको यहाँ के इश्यूज का पता ही नहीं होगा, तो यहाँ की वुमन को देखना पड़ेगा मेरे क्या इश्यूज हैं, पहले वो देखें ना कि क्या इशू है। अब वहाँ अबॉर्शन राइट्स की बात हो रही है, यहाँ बेसिक जॉब करने का राइट नहीं, तो एक लेवल ही और है ना, तो यहाँ तो इनका रिप्रोडक्शन पे तो अभी बहुत आगे जाके को बात होगी ना, इनको को पता चलेगा अच्छा रिप्रोडक्शन को भी हमारे कंट्रोल में होना है या नहीं होना है या इवन ये राइट किसका होना चाहिए। सो ये है, तो ये बेसिकली वही है, ये कहते हैं कि इशू टू इशू, नेशनैलिटी टू नेशनैलिटी, जो आपकी एथनीसिटीज हैं एथनीसिटी टू एथनीसिटी, वैसे आपको डील करना पड़ेगा। अब देखे ना जैसे ये सेक्शुअल ओरिएंटेशन का भी जिक्र है, अब एक लेस्बियन वुमन है उसके इश्यूज ही और है, उसको आप जो दूसरी हेट्रोसेक्सुअल है उसके साथ आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। सो दोनों के इश्यूज को देखना पड़ेगा, अब दोनों को एक ही कटहरे में या एक ही कैटेगरी में डाल के एक ही तरह के राइट्स देने की कोशिश करेंगे तो वो गड़बड़ है। ठीक है जनाब, यहां तक को मसला परेशान है। उसके बाद है वायलेंस, ठीक है, जेंडर बेस्ड वायलेंस। जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या होता है, ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे एक होता है वैसे वायलेंस। अब कब वो लाइन स्टार्ट हो जाती है, जब हम जो वैसे नॉर्मल वायलेंस है उससे जेंडर बेस्ड वायलेंस में घुस जाते हैं। So gender based violence refers to physical, verbal, emotional, sexual and visual brutality that is inflicted disproportionately or exclusively on members of one sex. So particularly ye nahi hai ki females pe hi ho, theek hai, ab agar kuch females us gender discrimination ki wajah se kisi male pe us tarah karengi to wo bhi gender based violence hoga, lekin ye term jo hai wo zyada use हमारे यहाँ किस लिए होती है, क्योंकि ज्यादा ये
मामलात करते कौन हजरात पाए गए हैं, मेल मेल वुमेन को या बाकी ट्रांसजेंडर्स को या बाकी उस तरह से गड़बड़ करते हैं। सो यूएन ने एक डेफिनेशन दी हुई है, वो क्या है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का मतलब क्या है, एनी एक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस दैट रिजल्ट्स इन और इज लाइकली टू रिजल्ट इन, कि कोई भी ऐसा जेंडर बेस्ड वायलेंस जो कि क्या हो जिसका नतीजा ये निकले या इज लाइकली टू रिजल्ट इन, कि पॉसिबिलिटी हो कि शायद उसका ये नतीजा निकल सकता है, फिजिकल और सेक्सुअल। वो फिजिकल हो, फिजिकल क्या हो सकता है, आपने किसी को थप्पड़ दे मारा, किसी को किसी भी और चीज से आपने मार दिया, सो वो है फिजिकल टॉर्चर, आम सेंस में आप टॉर्चर कह लें। सेक्सुअल ये जिसमें आप इंक्लूडिंग क्या होता है आपका, ये रेप होना, जो गुड टच बैड टच वाला कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही किसी को चलते, जैसे अभी वो इस्लामाबाद की वो वीडियो आपने देखी है या नहीं देखी है, एक औरत बुरका पहने जा रही है और उसको वो फिजिकली हरास किया जा रहा है, एंड ये क्या था, सेक्सुअल। सो उसके बाद साइकोलॉजिकल हार्म और सफरिंग टू वुमेन। अब साइकोलॉजिकल हार्म क्या होता है, अब वो कैसे हो सकता है, फॉर इंस्टेंस ब्लैकमेलिंग के थ्रू, इवन घर में रह के भी ब्लैकमेलिंग की जा सकती है ना। तो अभी जब हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस किस्म की ब्लैकमेलिंग हो सकती है, ठीक है जनाब। और जो उसमें अब ये है कि ये तो सारे एक्ट हो गए, उसमें है कि इंक्लूडिंग थ्रेट्स ऑफ सच एक्ट, एक है एक्चुअली ये सारे एक्ट करना, फिजिकल सेक्सुअल साइकोलॉजिकली उसको टॉर्चर करने की कोशिश करना, एक है थ्रेट करना, जनाब तुमने मेरी बात ना मानी तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। नहीं नहीं वो सारा उसमें ये है कि आप साइकोलॉजिकल तो आप वैसे कहेंगे ना कि टॉर्चर तो उसको साइकोलॉजिकली होगा, लेकिन आप थ्रेट तो फिजिकल का कर रहे हैं, ये है थ्रेट फिजिकल करने। फॉरन से किसी को कहना मैं तो अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारा रेप कर दूंगा या करवा दूंगा, वो सेक्सुअल थ्रेट हो गया ना, ठीक है। या मैं तुम्हारा, अगर कोई वुमेन जा रही है तो उसको आप कहें कि मैं तुम्हें उस तरह से किसी की ऐसे मैं तो पिटाई लगवा दूंगा, तो किसी से कह के, तो ये फिजिकल हो जाएगा। ड्यूरेस हाँ वही प्रेशर वाली जो, बिल्कुल कह सकते हैं प्रेशर डालना। सो कोर्जियन और आर्बिट्री डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी। सो आप कोर्जियन क्या होता है, बाय फोर्स आप, बिल्कुल, या आर्बिट्री डिप्रेशन ऑफ लिबर्टी वेदर अकरिंग इन पब्लिक और प्राइवेट लाइफ। ये कह रहे हैं आप उसको लिबर्टी से डिप्राइव कर दें, जैसे ये डेफिनेटली किडनैपिंग एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, या फिर ये होता है कि आपने किसी को रिस्ट्रिक्ट करना हो, ये भी वो थ्रेट है ना, क्या आप उसका कोई स्कैंडल फेमस कर दें तो आपने इनडायरेक्टली उसकी लिबर्टी जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी ना, इनडायरेक्टली। क्या वो घर से निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी, जॉब पे जा पाएगी, वो गड़बड़ हो जाती। सो दोनों जगहों पे, पब्लिक में भी और प्राइवेट में भी, ये नहीं है कि आप प्राइवेट में हो तो वहाँ इट्स ऑल राइट, ये आप फिजिकल सेक्सुअल या साइकोलॉजिकल कर सकते हैं, कोई नहीं खैर नहीं, ये नहीं आप कर सकते, ठीक है जनाब। सो इट्स नॉट इंस्टिंक्चुअल, रादर इट्स कल्चरली लर्न फेनोमेना थ्रू सोशलाइजेशन। ये क्या है, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, ये भी वो कहते हैं कि भाई ये आपकी नेचर में नहीं है, आप इसे सीखते हैं, ठीक है। वो इसकी फिर सारी देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस पे हम आ जाते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, घर में होता, जो घरों में ये जो वायलेंस होता है ना, सबसे आम वैसे ये है, ठीक है। सो देखते हैं, स्टडीज सच एज द मैरिज लाइसेंस एज अ हिटिंग लाइसेंस, ये स्टडीज हैं, आप गूगल करेंगे तो आप भी जाएंगी। सो एंड द फैमिली एज अ क्रेडल ऑफ वायलेंस हाईलाइट इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, कि इंटीमेट पार्टनर कौन सा होता है, आपका जो लाइफ पार्टनर आपने गलती से इंतखाब जिसका कर लिया होता है और जिससे आपकी बुरा वक्त आपका चल रहा था, शादी भी हो गई, हाँ जी, सो इस किस्म के काम हो जाते हैं अक्सर इंसान के साथ, सो नेचुरल फिनोमेना है ना, क्या किया जाए। सो अ मैन्स होम इज हिज कासल, तो बेसिकली वो कहते हैं कि एक मर्द जो होता है उसका घर उसका किला होता है,
किले में तो फिर हजूर अपनी मर्जी करेंगे ना, जब मूड आया तो थप्पड़ वप्पड़ मार दिया, जब मूड आया तो कुछ और कर दिया। वेस्ट में तो मैरिटल रेप की बात हो रही है कि इवन आपकी, अब हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, आगे चलिए। एंड वाइफ बीटिंग हैज बीन द प्रोगेटिव ऑफ द मास्टर ऑफ द हाउस। सो ये क्या है, वुमेन जो है वो उनको मारना जो है वो क्या है, प्रोगेटिव है, इस्तेहकाक है, राइट है, उसके पास ये अथॉरिटी है कि जो घर का मालिक है वो फेंटी लगा दे तो क्या हुआ, सर किस बीवी को सेट नहीं करना, करना पड़ेगा ना। हमारा दोस्त तो क्या था वो, थंब रूल मैंने बताया था, हाँ ब्लैकस्टोन। तो ब्लैकस्टोन ने, इंग्लिश यूरिस्ट विलियम ब्लैकस्टोन डिटरमिन्ड अ रूल ऑफ थंब। ये थंब है, वो कहता है कि इतनी अगर चौड़ाई हो ना, इतनी जितना ये मेरा थंब है, यानी इतनी इतनी जितना ये यहाँ मार्कर को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, इतनी हो स्टिक विड्थ में तो फिर ठीक, इतनी जायज है, इससे भाई ज्यादा नहीं, मोटाई ना औरत मर भी सकती है, सो दिस इज नॉट फेयर, इतनी स्टिक ले लो और उससे पिटाई लगा लो तो इट्स ऑल राइट। ठीक, परेशानी तो नहीं है, बस आपको एक एक स्टिक गिफ्ट, एक एक स्टिक आपको गिफ्ट कर देते हैं और उनको एक एक गन कर देते हैं। सो आवर हस्बैंड हैज द राइट टू फिजिकली डिसिप्लिन एन एरेंट वाइफ। एरेंट वाइफ क्या होती है, सर्कश बीवी, तो जनाब जो बात ही नहीं मानती, 50 दफा इसे कहा है जब मैं घर में आऊं तो खाना मुझे मिलना चाहिए, टाइम पे मिलना चाहिए, मैं आके बैठूं तो जनाब। अच्छा पहले ये मामला होता था, अब अगर पुरानी देखें राइटिंग्स के हजूर आके बैठे, ये वेस्ट की बात हो रही, तो उनके आके जूते तक बीवी को उतारना पड़ते, तो वो नहीं उतार रही, 2-3 दफा हो गया है वो नहीं उतार रही, तो आपके तो अथॉरिटी चैलेंज हो गए भाई, सो अब कुछ करना पड़ेगा। सो ब्लैकस्टोन, अब मजेदार बात यह है, कोई आम बंदा नहीं है, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरीज भाई ने लिखी हुई है, बहुत आला पाए का जूरिस्ट है, वेरी वेल अकॉम्प्लिश्ड एंड वेरी वेल नोन। मियां नवाज का जो पैनमा का फैसला था, भाई की डिक्शनरी से लिया था उन्होंने उसकी डेफिनेशन, तो पूरी दुनिया में इसकी जो डिक्शनरी है वो कोट होती है, तो कोई आम बंदे की बात नहीं हो रही ऐसे कोई रौनक के लिए, क्रिस्प डालने के लिए, चलो स्लाइड्स में डाल दिया। सो ऐसा नहीं है, ये इन लोगों का माइंडसेट है, जो पढ़े लिखे तरीन लोग हैं वो कहते हैं थंब इज गुड, थंब रूल होना चाहिए कि बीवियां सेट रहे। सो द स्टिक जो है वो इससे ज्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी। इसका जवाब तो मुझे कुछ और देना चाहिए, लेकिन आई विल अवॉइड इट। जवाब तो मुझे कुछ और देना चाहिए, ऐसे ही और कोई बात नहीं, बस तब सोसाइटी का स्ट्रक्चर ये था। ब्लैकस्टोन था मेरा ख्याल है 17th century में, 19, हाँ तो पुरानी बात, 17th-18th century में तो यही मामला था ना। वो ये सारा खेल बदला है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, उसने आके ऑल टुगेदर पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया। डेफिनेटली जो बाकी रेवोल्यूशन हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो भी उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन असल जो जब वुमेन इकोनॉमिक स्फीयर में आई है ना, तब चेंज हुआ है ये सारी बातें। अब ये बातें हैं ना नॉर्मल, तो देखो इतना, अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज जो बाइडन ऐसी बात कर दे, या आपका इवन प्राइम मिनिस्टर को, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो पॉलिटिक्स छोड़ चुका हो, वही ऐसी को बात कर दे, नहीं करेगा ना। अब इमेजिन करें, तब ऐसी बात करना तो बड़ी बात ही नहीं थी, तो कोई बात नहीं, पिटाई हो जाए तो इट्स ऑल राइट। उसके बाद देन यू मैन आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइफ अब्यूजर्स। तो उन्होंने कहा कि भाई जो वाइफ अब्यूजर्स है ना, उनमें ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स पाए गए हैं। सबसे पहले है अल्कोहल अब्यूज, कि भाई मैं तो पी के हूँ, कि मैंने पी है और मैं पी के हूँ, सो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो हॉस्टिलिटी, वैसी हॉस्टिलिटी होना, क्या आप हर किसी को समझते हैं कि मेरा दुश्मन है और बस मैंने इसको नहीं छोड़ना। डिपेंडेंस ऑन देयर वाइफ्स, ये भी एक फैक्टर। अब पानी आप खुद नहीं पी सकते, लेकिन हमने वाइफ पे डिपेंडेंट रहना कि भैया पानी तो पिला दिया करो, एटलीस्ट इतना तो हमारा हक है ना। सो वो नहीं पिलाती, फिर आप जलाल में आ जाते और फिर गड़बड़ शुरू हो जाती है ना।
सो कहते हैं कि आप इतनी इतनी बातों पे डिपेंडेंट हैं, बड़ा खेल तो आप छोड़ देना। अब आप सुबह जनाब नाश्ता करने जा रहे हैं, नाश्ता है नहीं, पर उसके बाद आपने पूरी फैमिली पे एहसान भी किया हुआ है कि आप लोगों के लिए मैं जाता हूँ सुबह उठ के कमाने खाने व्हाटसएवर, और मेरी ये घर में वैल्यू, तो फिर बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है ना इस बात को। तो फिर आप जलाल में आ जाते हैं, और जलाल में जब आप आते हैं तो फिर आप हलाकू खान बन जाते हैं। सो ये है। उसके बाद एक्सेसिव ब्रोडिंग ओवर ट्रिवियल मैटर, के आप जो एक्सेसिव मामला हो जाता है ना, छोटी छोटी बातों पे डांट देना, कोई ग्लास भी टूट गया है तो भाई कितने का ग्लास था, 50 रुपए का होगा, 100 का होगा, लेकिन तमाशा आपने जो है वो 5,000 का कर दिया है, बल्कि मुझे लगता है 5 लाख का कहना चाहिए, कि उस बात पे हो सकता है हफ्ता लड़ाई होती है, तो फिर गड़बड़ है ना। सो फिर ऐसी एक्सेसिव ब्रोडिंग, तो छोटी बात है, बात का बतंगड़ इसको आप कहते हैं। So, ये उनकी करेक्टरिस्टिक होती है। बिलीव इन सोसाइटल अप्रूवल ऑफ वायलेंस, ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ अगर देखा जाए, कि अगर सोसाइटी आपको अप्रूव कर रही है कि भाई इट्स ऑल राइट, अगर तुम ये काम कर रहे हो तो तुम्हें कोई मसला ही नहीं, इट्स ऑल राइट, तो फिर आप वो करते जाते हैं। अब आप इमेजिन करें ना कि बीवी जो नॉर्मल एक पॉपुलर चीज है, कहीं बीवियां मारती भी होंगी, लेकिन बीवी जो है वो थप्पड़ दे मारे भाई साहब, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अब यही वो काम करे तो हो सकता है वो प्रोटेस्ट करे और गड़बड़ करे और ये वो, लेकिन उसके बाद सारे वो अप्रूव कर देंगे उसको ना, कि इट्स ऑल राइट। तो वो हम देखते हैं एक पूरा एक साइकिल चलता है, ये जो मामला होता है ना वायलेंस वाला, सो देखते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हैं, कि जिन घरों में आप देखते हैं ना, अक्सर ये बात भी होती है कि भाई अमीरों के घरों में ना कम मसले होते हैं, गरीबों के मसले बड़े हैं, मसले ही मसले हैं, तो वो घर में वो झगड़े होते हैं ना, दाएं बाएं, इधर रिसोर्सेज कम होते हैं, बच्चे आपके 15 होते हैं, तो फिर मसला तो हो गया ना। कम भी बच्चे हों, को 5 भी आपने किए हों, लेकिन ये भी कम मैं बता रहा हूँ, एवरेज रेशो मेरा ख्याल है को 10-12 रखनी चाहिए। अगर आप किसी आम जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ लोग नहीं है ना, उनके देखें तो नॉर्मल 8 से 12 बच्चे तो नॉर्मल है ना उनके यहाँ, क्योंकि उनको वो पता ही नहीं है कि इनको और पे कितनी है, 15,000-20,000, वो फिर जहाँ इतने मसले क्या नस्ल बढ़ रही है, वही बात है, अलेक्जेंडर की नस्ल है भाई, दुनिया पे हुकूमत करेगा। मैं नहीं देख पाया। सो अ सडन बर्स्ट ऑफ एंगर, वो कहते हैं कि बच्चा जो है, बंदा जो है वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो तो फिर भी मसला है, ऐसे बिला वजह उलझ पड़ना, हाँ जी, वो गलत बात है। एंड हैविंग बी इन अ बेटर चाइल्ड, आपकी बचपन में ठीक ठाक खुद फेंटी लगी हो, तो आप कहते हैं कि वायलेंस इज अ नॉर्मल थिंग, कि मैं तो जब भी गलती करता था भाई मुझे 2 लग जाते हैं, इट्स ऑल राइट, फर्क क्या पड़ा, अब मैं कोई गलती करेगा तो मैं भी बताऊंगा उसे। सो ये होता है। ओके, ये कुछ थीरीज हैं, सॉरी टाइप्स हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, जो यूएन हमें बताता है। ये देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या है। डोमेस्टिक वायलेंस इज जेंडर स्पेसिफिक वायलेंस कॉमनली डायरेक्टेड अगेंस्ट वुमेन अकरिंग इन फैमिली। तो ये जो अक्सर बात होती है ना, वो हो मेल भी तो मारते हैं भाई, मेल भी मारते हैं तो वो भी जेंडर बेस्ड, सॉरी फीमेल भी मारती है तो वो भी जेंडर बेस्ड हो सकता है। तो कॉमनली लेकिन हम देखते हैं ना किसके साथ ज्यादा हो रहा, तो वो फीमेल को ही मारा जा रहा। सो नंबर 1 क्या है, फिजिकल आप देख लेते हैं। एनी इंटेंशनल बिहेवियर दैट ऑफेंड्स अ वुमेन्स वुमेन बॉडीली इंटेग्रिटी और हेल्थ, कि कोई भी आपका इंटेंशनल बिहेवियर जो है वो अगर उसको बॉडीली ऑफेंड करता है या उसकी इंटेग्रिटी को चैलेंज करता है, ये जो आम हम फिजिकल हैरेसमेंट देखते हैं। उसके बाद इमोशनल और साइकोलॉजिकल, एनी कंडक्ट और बिहेवियर दैट कॉजेज इमोशनल डैमेज, कोई भी आप ऐसा कंडक्ट रखें जो इमोशनल डैमेज हो, अब इस पे बाद में मैं जरा सी बात करता हूँ। रिड्यूसेस सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम और एम्स एट डिग्रेडिंग और कंट्रोलिंग अ वुमेन्स एक्शन, कि आपका उसका पर्पज आपने क्या किया हो कि उसकी जो सेल्फ वर्थ है ना उसको खत्म कर देना। अब ये फिनोमेना आप ये भी देखते हैं ना कि कुछ वर्किंग वुमेन हैं, अब वो अगर आगे गुजर रही होती है ना अपने जो
हस्बैंड हस्बैंड है उससे, तो वो उसको अंडरमाइन करना शुरू कर देता है क्योंकि वो प्रोफेशनली उसकी सोसाइटी में ज्यादा वैल्यू है, तो गड़बड़ तो हो जाएगी भाई। सो ये है, तो आप फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये बाद में सारा कुछ देखते हैं। बिहेवियर आप ऐसे रखें, बिलीव या डिसीजंस बाय मींस ऑफ आपको थ्रेट यूज करें कि जनाब ये कर दूंगा, मैंने आज खाना नहीं खाना, मैं जनाब आज सोफा पे सो जाऊंगा। हाँ, धमकियां मीठी मीठी भी तो आप लगाते हैं ना। सो उसके बाद उसको एम्बेरसमेंट करना, उसके आप मेहमान आए हुए हैं तो आप जनाब बैठ के कोई ऐसा, पहले आप बिल्कुल नॉर्मल है, आप कहते हैं अब तो नहीं ना मैं पकड़ा जा रहा। सो फिर आप उसको एम्बेरस करते हैं पब्लिकली। उसके बाद ह्यूमिलेशन, वही एक ही बात है, मैनिपुलेशन, क्या आप मैनिपुलेट भी करने की कोशिश करते हैं ना अक्सर दाएं बाएं, उसको आप ये रियलाइज कराएं कि हजूर घर गृहस्थी बड़ी आला चीज होती है, अब आप देख रहे हैं प्रोफेशनली मुझसे आगे जा रही, तो आप उसको रियलाइज कराते हैं कि घर का ख्याल रखना किसकी जिम्मेदारी, वुमेन की। वो बेचारी साल आपकी बकवास सॉरी बातें सुनती है माफ करना यार, वो आपकी बातें सुनती है तो फिर वो कन्विंस हो जाती, ये आपने उसको मैनिपुलेट किया, क्लासिक मैनिपुलेशन। उसके बाद है कि रॉबर्ट ग्रीन, नहीं वो इस किस्म की ऊंची बातें नहीं बताता, अजान हो रही चुप कर रॉबर्ट ग्रीन की, नहीं मैं ऐसी बुक्स नहीं पढ़ता यार, वो और वो कौन सी, आर्ट ऑफ सेडक्शन मास्टरी पढ़ी है, सारी पढ़ी हूँ, सबसे मजेदार लेकिन वही है 48 लॉज ऑफ पावर। मास्टरपीस, प्रैक्टिकल बुक्स पढ़नी चाहिए, लोग बैठ के मोटी मोटी हिस्ट्री की बुक्स लेके पढ़ते रहते हैं। अच्छा, सो मैनिपुलेशन, आइसोलेशन, कि आप जो हैं वो या खुद आइसोलेशन में चले जाएं या उसको आइसोलेशन में भेज दें। सो कांस्टेंट सर्विलेंस और परस्यूट, क्या आप हर वक्त ताक झांक में रहें, किससे बात हो रही है, क्या बात हो रही है, हाँ किससे कितनी गहरी दोस्ती है, कितना गहरा रिश्ता है, हर चीज पे नजर, अच्छा कौन था, क्या बात हो रही थी, क्या हो रहा था, ए टू जेड सारी आपने सर्विलेंस रखी हुई है। इंसल्ट तो फिर डेफिनेशन सीधी सीधी बात है, इंटिमिडेशन, डरावा धमकावा, फिर ये ब्लैकमेल और मैनिपुलेशन ऑलमोस्ट वही बात है, रेडिकल एक्सप्लॉइटेशन, सो एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये क्या है सारे, ये सारी चीजें क्या होती हैं, साइकोलॉजिकल हेल्थ को क्या कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं।
उसके बाद है भैया सेक्सुअल, एनी कंडक्ट और बिहेवियर दैट फोर्सेस अ वुमन टू विटनेस, इवन विटनेस, ये नहीं है कि उसके साथ आप एक्चुअली कोई ऐसी हरकत करें, इवन आप अगर विटनेस भी उसको करवा रहे हैं तो ये भी उसके साथ उसी तरह का है. मेंटेन और पार्टिसिपेटिंग अनवांटेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और बिहेवियर बाय मींस ऑफ इंटिमिडेशन, थ्रेट, कोरियन और यूज ऑफ फोर्स. तो क्या है कि आप किसी भी वुमेन को ना करना तो है ही है ना, आप अगर उसको विटनेस भी करवाते हैं या पार्टिसिपेट करवाते हैं, अब ये बात आ गई अनवांटेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. अक्सर आप बात सुनते हैं ना कंसेंट पे बहुत बात हो रही है आजकल, सो ये वही बात कि इफ शी वांट्स इट्स ऑल, इफ शी डजंट वांट इट फिर यू मस्ट स्टॉप. यही बात आगे. सो कोई भी मामला हो, आप अगर उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, या यूज ऑफ फोर्स कर रहे हैं, या कोई सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं, इवन आप मैरिटल रेप कर रहे हैं कि शी इज नॉट इन टू इंटरकोर्स, और आप उसको फोर्स कर रहे हैं कि भाई नहीं ये तो करना पड़ेगा. सो यही है. फोर्थ वन इज फाइनेंशियल और इकोनॉमिक. एनी कंडक्ट बिहेवियर इन्वॉल्विंग द यूज और मिस यूज ऑफ पार्टनर्स कंसेंट रिगार्डिंग देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज और एसेट्स. अब क्योंकि वो होता है पार्टनर्स को हमने ऐसी एक्सेस दी होती है ना, तो अब वो भाई साहब जो है वो गड़बड़ कर, फिर आपने तो कंसेंट को पावर ऑफ अटर्नी दे दिया होगा कि ठीक है को कॉन्ट्रैक्ट कर दो, उसने जमीन ही बेच दी, तो फिर गड़बड़ है ना. इंक्लूडिंग द डेप्रिवेशन रिटेंशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी बाय हर means making or attempting to make a woman financially dependent by maintaining control over financial resources. तो यहाँ तो आप ये काम करें कि उसके जो पैसे वैसे पड़े हुए हैं वो हड़प कर लें, हाँ जी, और फिर गड़बड़ है, तो ये भी क्या है, ये financial violence के जुमरे में आएगी. अब शुरू होता है खेल, cycle of intimate partner violence. अब जरा सा violence हो जाए क्या ख्याल. आपके साथ ही वैसे हम पढ़ हो रहे हैं. अच्छा पढ़ रहे हैं. अच्छा सो स्टेज वन हमें ये कहती है हजूर के, अच्छा ये है एक साइकिल चलेगा, वायलेंस होगा, फिर हालात अच्छे हो जाएंगे, फिर वायलेंस होगा. हाँ जी अच्छी बात है. देखिए कुछ इसकी स्टेजेस हैं. स्टेज वन हमें ये कहती है कि टेंशन बिल्ट हो गई है दोनों पार्टीज के दरमियान, टेंशन चल रही है. ओके एंड द अब्यूसिव पार्टनर ब्लेम्स द अदर फॉर प्रॉब्लम्स एंड फॉर नॉट बीइंग कोऑपरेटिव या सपोर्टिव. दूसरा पार्टनर जो है वो, यानी कि जो अभी असॉल्ट करेगा, वो अब ब्लेम करता है, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को थोप देता है दूसरे, वो कहता है कि भाई तुम तो सपोर्ट नहीं कर रही, बड़ी गड़बड़ चल रही है मेरी जिंदगी में, तो जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से होगा, सो बहुत प्रॉब्लम है भाई. So typically, the abuser begins psychological battering with insults, threats, taunts, and intimidation. तो बात शुरू कहाँ से होती है? Taunt करने से, अच्छे-अच्छे अलकाबात से नवाजने से, और यही बातें करने से ना, ये जो आम हमारी जिंदगी में आप मेल फीमेल को शादीशुदा जो उनकी खूबसूरत इज़दवाजी जिंदगी है उसमें देखते हैं, तो आप यही नतीजा निकालते हैं कि ये क्या चल रहा है भाई. सो वही आप यही देखते हैं ना कि ये हो क्या रहा, तो वो ऐसे ही एक दूसरे को बातें करते हैं कि मैं तो जिस दिन इससे शादी हुई जनाब उसी दिन ही बेनगर खो गया. सो ये इंसल्ट है, अब्यूज है, ये स्टेज वन है, टेंशन बिल्ड हुई हुई है, ये आपने नहीं बोलना. सो स्टेज टू हमें ये कहती है एन एक्सप्लोजन अकर्स. ओके टेंशन अरप्ट्स इनटू फिजिकल वायलेंस. तो वो जो टेंशन बिट बाय बिट आपने इकट्ठी की थी ना, वो अब क्या हो गया है, मामला एक्सप्लोड हो गया है, और आप क्या हो गए हैं, फिजिकल हो गए हैं. स्टेज थ्री, ओहो हो, द अब्यूजर अपीयर्स कंट्राइट और रिमोर्सफुल, कि जिसने अब्यूज किया है वो शदीद अफसोस में जला गया, बहुत उसे अफसोस हुआ, दो चार दिन गुजरे, वो आया आपके पास, उसने दिल से माफी मांगी, और हम भी अच्छे लोग हैं हमने माफ कर दिया. सो द अब्यूजर में अपोलोजाइज द विक्टिम एंड टिपिकली प्रॉमिसेस इट विल नेवर हैपन अगेन एवर, कि जनाब आइंदा कभी नहीं होगा, होगा तो मेरा सर और आपका जूता.
उसने कहा दिया भी अच्छी ऑफर है आगे. The victim sees the good person inside and remembers what led to marriage. अब हमारे यहाँ what led to marriage का तो सवाल ही नहीं ना पैदा होता. अम्मा अब्बा led to marriage. अरेंज मैरिजेस हो रहे हैं ना, तो शादी हो गई. तो यहाँ पे सर उल्टा है कि आपने अपनी पसंद की शादी की हो एंड अब आप देखते हैं अपने पार्टनर में, हाँ यार इसमें अच्छी बातें भी हैं, मार इसने मुझे दिया इट्स ऑल राइट, लेकिन अच्छी बातें भी हैं. सो वो याद करते हैं कि भैया किस बेस पे इससे रिश्ता बना था, व्हाट लेड टू मैरिज, तो उसको याद करके माफ कर दिया. चौधरी शुजात साहब के जुबान में मिट्टी पाव वाली पॉलिसी है ना कि इट्स ऑल राइट, भूल जाओ सब कुछ. स्टेज फोर आ गई. अब इसको कहते हैं हनीमून फेज. भैया जो अब्यूजर है उसमें बड़ा प्यार से आपको नजर आ रहा है. द अब्यूजर एक्ट्स लविंग, क्या बात, अच्छा एक्टर है. The victim becomes convinced. अब देखना पहले उसने माफी मांगी है, तौबा तायब की है भाई, remorseful, इतना देखो शदीद अफसोस में चला गया बेचारा और क्या करे. अब उसको through acts convince करना है हमें, जनाब सही दिल से माफी मांगी, एक्टिंग तो थोड़ी करनी पड़ेगी, तो एक्ट करता है लविंग. अच्छा जी, और जो विक्टिम है वो कन्विंस हो जाता है बहुत सच्चा आदमी इसने माफी मांगी है, सो इसने बात पूरी भी की. देखो कितने प्यार से पेश आ रहा, बहुत जबरदस्त बात. आगे, एंड दैट अब्यूज वाज एन एब्रेशन. अब ये वेस्ट वर्ल्ड सीरीज बड़ी मजेदार है, वो आप सुने, वहां बहुत एब्रेशन है वर्ड ये यूज हुआ. सो वो कहते हैं कि बंदा ठीक, देखो लविंग भी हो गया है, तो इसका जो पिछला कंडक्ट था ना वो बेसिकली नॉर्मल से हटके था, नॉर्मल से हटके फिर एब्रेशन हो जाते जी, ठीक है. So that will never occur, even it has repeatedly. लेकिन वो क्या है कि वो बिलीफ ये है कि ये कभी दोबारा नहीं होगा, हालांकि हो सकता है ये 50वीं दफा यही फीलिंग आ रही. And the whole cycle begins anew. और ये फिर सारा साइकिल नए सिरे से चल पड़ता है. दोबारा टेंशन, दोबारा अब्यूज, दोबारा एक्सप्लोजन, दोबारा हनीमून पीरियड, दोबारा जनाब उसका ओ हो लविंग एक्ट करना. कसूर जाके देखना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई ये किसका है. कसूर जिसका भी है वॉयलेंस तो कोई ऑप्शन ही नहीं. अब आप कहें जी उसने उसको बहुत भड़काया, उसने उसको गाली दे दी, तो वो भी गाली दे दो. फिजिकल वॉयलेंस इज नॉट एन ऑप्शन किसी भी तरफ से हो, ये नहीं है कि एक जेंडर की तरफ से हो तो ठीक है. उसके बाद ये पावर एंड कंट्रोल व्हील थ्योरी हमारे दोस्त देते हैं. अब दिस अप्रोच सजेस्ट दैट परपेचुएटर्स यूज वायलेंस टू कंट्रोल देयर पार्टनर्स. तो ये थ्योरी क्या कहती है कि अपने पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए वायलेंस करते हैं, सही है, कि जरा अपनी सुपेरियरिटी कायम रहे. सो इट इलस्ट्रेट्स द टाइज बिटवीन पावर यूज्ड बाय अब्यूजर टू कंट्रोल द विक्टिम. ठीक है जी, पावर के थ्रू इनको कंट्रोल किया जा सकता है. सो पावर टेक्निक्स टू कंट्रोल द विक्टिम, जैसे ये कुछ वही है, इंटिमिडेशन हो सकती है, आप उसको डराएं धमकाएं और वर्बल या नॉन वर्बल एक्शन के थ्रू, या जो भी फ्राइटन्स हर इनटू डूइंग थिंग्स ही वांट्स हर टू डू, उसको उस तरह के कामों में इंडल्ज करना जो आप चाहते हैं. ठीक है, अब इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकती है कि बैठे बैठे बड़ा जबरदस्त प्लेट में खाना आया था, आपने पकड़ा और दीवार में दे मारा, प्रॉपर्टी की डिस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं. हाँ, और काम हो सकते हैं अच्छे अच्छे जो हम कर सकते हैं. और उसके बाद है पर्टिकुलरली वेपन इज ना थ्रेट्स, वही कि आप जो है वो कोई ऐसी टेक्निक लगाएं और उसको हर्ट करें, और या आप उसको कहें कि जनाब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और डिवोर्स दे दूंगा, या बच्चों को तुमसे ले लूंगा, या बच्चों को ले लेना, वैसे बच्चों को ले लेना, उसको कहना कि ठीक है तुम अपने जो मैके हैं घर वाले हैं या वहाँ चली जाओ.
उसके बाद इमोशनल अब्यूज है, अब्यूजर एक्सप्लॉइट्स एंड कंट्रोल द वुमन इमोशनली, द टैक्टिक्स इंक्लूड ह्यूमिलेटिंग हर, मेकिंग हर फील गिल्टी एंड यूजिंग डर्टी लैंग्वेज, गालियां देना और उसको गिल्ट फील कराना कि भाई गलती तो तुम्हारी है, हम तो बड़े फर्स्ट क्लास लोग हैं। उसके बाद आइसोलेशन है, आइसोलेशन इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग व्हाट अ वुमन डस, होम शी सी एंड टॉक्स टू एंड वेयर शी गोस, तो पूरा आपने चेक रखा हुआ है, आइसोलेशन उसको में जाने नहीं देना है, एक एक चीज कहाँ से आ रही हो कहाँ से जा रही हो, खुद सिर्फ ये बताना है मैं दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, अब पता नहीं किन दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, ये एक राज की बात है। मिनिमाइजिंग डिनाइंग एंड ब्लेमिंग, द अब्यूजर विल मेक इट सीम दैट एक्शंस आर नॉट दैट सीरियस और डिनाई देम कम्प्लीटली, तो क्या कहेगा, अक्सर आप सुनते हैं मैंने तो हल्का सा एक थप्पड़ लगा दिया ना, थप्पड़ मूवी देखी है किसी ने, आपने देखी नहीं देखी, थप्पड़ मूवी देखिएगा, उसमें भी बड़ी जबरदस्त किस्म की लव मैरिज होती है और थप्पड़ लग जाता है एक शादी पे, फिर वो लड़की कंप्रोमाइज नहीं करती, बड़ी उसकी मिन्नतें होती हैं, तरले होते हैं, उसने कहा ना बेटा नाउ इट्स ओवर। सो ये भी होता है कि ये कहना नहीं इतनी सी बात पे अब रिश्ता खत्म करना, सो वायलेंस इज अ सीरियस बिजनेस, आप इसको ईजी ना लें। उसके बाद जनाब चिल्ड्रन है कि बच्चों को इस्तेमाल करना के अपने पेरेंट पे और उस पे पार्टनर पे कंट्रोल रखने के लिए, बच्चों को आप उसको नहीं हम मार रहे, अपने पार्टनर को नहीं मार रहे, बच्चों की उठ के पेंटी लगा दी, इसको आज मैंने नहीं छोड़ना, ये लेट क्यों है, हालांकि वो रोज लेट आता, लेकिन आज आपको गुस्सा अपनी बीवी पे है, निकल बच्चे पे गया, सो ये उसको थ्रेट करना ना उसको उस तरह से, सो ये सब कुछ आप मुझे बताएं नहीं होता है सोसाइटी में, होता है, सो ये ऐसे हवाई बातें नहीं। अच्छा, यूजिंग मेल प्रिविलेज, वो भी यूज करना पैट्रियार्कल वैल्यूज का, और सारा घर के फैसले जनाब आपने कॉपरेशन से नहीं कर रहे, बस ऐसे ही कर रहे हैं, इकोनॉमिक अब्यूज भी इसी में है जो हमने पहले देखा। अच्छा, नेक्स्ट इज साइकेट्रिक मॉडल ऑफ वायलेंस, अब ये मॉडल ट्राइज टू अंडरस्टैंड फैमिली वायलेंस बाय एनालाइजिंग द ऑफेंडर्स पर्सनालिटी एंड द मेंटल स्टेटस, कि उसकी पर्सनालिटी और मेंटल स्टेटस कैसा है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। दिस मॉडल कैरेक्टराइज पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स मेंटल इलनेस एंड सब्सटेंस अब्यूज एज द प्राइमरी कॉजेज ऑफ फैमिली वायलेंस, ये क्या कहते हैं कि भाई उसको कोई डिसऑर्डर भी हो सकता है, डेफिनेटली हो भी सकता है, मोस्टली तो हमारे यहाँ ये कल्चर ने अप्रूव किया हुआ है इसलिए हो रहा है, लेकिन कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे होंगे। अब जो शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हैं उनको उनका इलाज करवाना चाहिए ना, हम उनको बस ऐसे बुरा भला कहते रहें तो वो तो फायदा नहीं है। सो डिसऑर्डर भी हो सकता है, कोई मेंटल इलनेस भी हो सकती है, और सब्सटेंस अब्यूज भी, ये जो हम कोई ना कोई सब्सटेंस ले लेते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इनहेल करने की बात हो रही है, ये पीना पिलाना एटसेट्रा, समझ रहे हैं। सो ये क्यों जी साइकोपैथोलॉजी थ्योरी ये कहती है कि बंदा ही बीमार है, इसका इलाज कराओ भाई, और सब्सटेंस अब्यूज थ्योरी कि ये जो ड्रग्स अल्कोहल एट्सेट्रा एट्सेट्रा ना, ये कंट्रीब्यूट करते हैं इंसान की ऐसी खराफात में, तो हमें जो है वो इनको कंट्रोल करना है, ठीक है जी। हाँ, ऐसी बातें नहीं करते, दस मिनट ऑफ, कोई आपने लंबा छोड़ा, कोई दुनिया नहीं रुकी हुई आपकी वजह से, को इंडिया से जंग चल रही है और आपके पास को एटम बम का जो है वो फॉर्मूला अभी या बटन है और आपने जाके वो कोड लगा के प्रेस करना है, कुछ नहीं होता, बैठे बस में जी, बस निकल जाएगी, आप चल रहे हैं आपकी बस निकल जाएगी। सो जी सोशियो फिजियोलॉजिकल मॉडल ऑफ वायलेंस है, ये देखें, इट एनालाइजेज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द फैमिली यूनिट, फैक्टर दैट स्ट्रेस फैमिली स्ट्रक्चर। अब ये अच्छा जबरदस्त मॉडल है, ये सोशियोलॉजिकली भी देखता है और साइकोलॉजिकली भी, पहले सिर्फ हम साइकोलॉजिकली देख रहे थे और उसको
इंडिविजुअल को सेपरेटली देख रहे थे, अब यहाँ पे सोसाइटी भी इन हो गई है और ये कह रहे हैं कि आपको दाएं बाएं का जो माहौल है सोसाइटी का वो डिटरमिन करता है। अब उसमें स्ट्रेस तो एक फैक्टर है और साथ साथ फैमिली स्ट्रक्चर आपका कैसा है। अब देखें, आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या बिल्कुल आइसोलेटेड फैमिली में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो देन आपकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होगी। अब देखना, यहाँ आप हो सकता है खुद बड़े सिविलाइज्ड हों लेकिन आपके कोई दाएं बाएं कोई रिलेटिव्स में ऐसा हो, एक कुछ ऐसी फैमिलीज हैं वो 50-50 लोग अभी भी साथ रहते हैं, तो वहाँ आप कैसे उस तरह से कंट्रोल कर पाएंगे, वहाँ तो आपको उनके साथ रहना पड़ेगा। सो ये एक स्ट्रक्चर है डेफिनेटली। कुछ लोग हैं वो हो सकता है कि घर वाले उनके अच्छे हों, वहाँ वो इंसान बन के रहें और आप सेपरेट उनको कर दें तो वहाँ वो वायलेंस कर सकते हैं। सो ये भी सोसाइटी में हो रहा है। उसके बाद इंटरजनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ वायलेंस है, तो वो कहते हैं कि आप जो जनरेशन को ट्रांसफर कर देते हैं, एक जनरेशन से दूसरी में जो चला जाता है, सो वो भी गड़बड़ है। और फैमिली इंट्रैक्शन जो हैं ये सारे क्या हैं, फैमिली काजेज हैं। और इसमें सबसे पहले ये क्या है, सोशल लर्निंग थ्योरी, कि जो आप सोसाइटी से सीखते हैं वही आप करते हैं बस, ठीक है, और उसमें कोई मसले वाली बात नहीं। इसमें दो इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म हमें बताते हैं, मॉडलिंग एंड रीइंफोर्समेंट। कि मॉडलिंग, क्या आप देखते हैं सोसाइटी में मॉडल्स को, लोगों को एज अ मॉडल आप देखते हैं ना, और उसके बाद उसको आप रीइंफोर्स करते हैं। वो जो शुरू में हमने देखी थी कि आप सीखा आपने, अब आप उसको रीइंफोर्स करेंगे, और सोसाइटी अगर उसको अप्रूव कर रही है फिर तो मसले ही खत्म हो गया ना, फिर आप चैन से जो मर्जी करते रहे। सो वायलेंस जो है ये कहते हैं कि भाई ये कोई इनहेरेंट नहीं होता, आपने कोई इननेट नहीं है, अब आपने, अब आपके दादा करते थे या वालिद करते हैं तो आपने भी वायलेंस करना है और आपके जीन्स में वायलेंस चला रहा है, ऐसी बात नहीं है, सोसाइटी से ही आपने सीखा। सो ये है, जैसे इसमें एक एग्जांपल ये दी हुई है कि जैसे आप लड़का अगर देखे कि मेरी मदर के साथ ही सब कुछ होता है, सो डेफिनेटली वो वहां से यही सीखेगा कि अच्छा इट इज अलाउड। थीरी, हाँ सर, वही थीरी ऑफ मैरिटल पावर। अब वही है कि those who lack power will be more likely to use violence against their partners. अब ये होता है कि जो लोग अच्छे well settled होते हैं वो ये काम नहीं करते। वो बंदा जो निकम्मा है, सुबह उठा उसको बेहतरीन खाना भी चाहिए, बेहतरीन कपड़े भी चाहिए, उसके जनाब नखरे नहीं ख़त्म होते, तो ये कहते हैं कि भाई ये ज़्यादा उसमें होते हैं कि उनके पास पावर नहीं ना होती, तो उनको एक ट्रेडिशनल सेटअप में एक अच्छी सी बीवी मिल जाती है तो वो उस पर अब डेफिनेटली उससे शादी कौन करेगी जो उस जैसी हो। फैमिली आप अगर अरेंज भी कर लें तो फिर भी वही होगा ना, सो फिर क्या होगा, वो फिर अब बाहर तो बेचारे की वैल्यू कोई नहीं, तो घर आके फिर वो पावर एग्जर्ट करेगा। सो इनका ये मामला है सारा। उसके बाद एक्सचेंज थ्योरी को देख लें, people hit and abuse other family members because they can, ठीक है जनाब, because they can, कि वो कर सकते हैं तो वो करते हैं। हो सकता है कोई इतना उस तरह से they can't वाला मामला होता तो वो ना करते, कि अपना उनका ये personal preference नहीं है, society की वजह से उन्होंने क्या किया हुआ, इसको adopt किया हुआ, तो society permit कर रही है, they can with impunity। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखते हैं, अब देखें अब उसको यही थ्रेट हो कि मुझे जनाब जेल में डाल दें, फिर तो कुछ नहीं ना करेगा, अब उसको पता है कुछ होना ही नहीं है, सो बात खत्म। रिसोर्स थ्योरी भी वही कहते हैं कि जनाब जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है ना, जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं, उसके पास ये इख्तियार पता नहीं कहाँ से आ जाता है, वो ये काम कर जाता है, ठीक है जनाब। उसके बाद द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन द प्रेमिस दैट ह्यूमन बीइंग्स डिस्प्ले एग्रेशन टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स दैट इंपीड देयर अचीवमेंट ऑफ सर्टेन गोल्स। तो ये कुछ लोग जो है ना, जैसे अब एक बंदा बड़ा पढ़ा लिखा है, बीवी उसके ट्रेडिशनल किस्म की आ गई है और वो उसको फॉर इंस्टेंस कहती है कि मुझे टाइम ज्यादा चाहिए, हाँ, तो अब वो समझता है कि ये मेरे गोल्स में रुकावट बन रही है, या एक और तरह से स्ट्रक्चर है कि जॉब कहीं और दूसरे की कहीं और, तो डेफिनेटली वो कहते हैं हमारे गोल्स एक नहीं है, तो शायद वो इस वायलेंस में आ जाएं, कि ये बंदा उसको अब वो देख रहे हैं इंपेडिमेंट की तरह ना, कि ये रुकावट है कोई ना कोई। एकोलॉजिकल थ्योरी, दिस थ्योरी लिंक्स वायलेंस विद द कल्चर एंड एकोलॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग जेंडर बेस्ड
वॉयलेंस, तो ये भी कल्चर के कल भाई साहब अभी नहीं, अभी नहीं कुछ कोई अभी थैंक यू नहीं ना आया। अच्छा ये अब पिछली कौन सी थी, कल्चर और साइकोलॉजी दोनों, दो अब सोशो कल्चर देखें जरा सा। अब ये रोल ऑफ मेन एंड वुमेन पे देखते हैं, वो तो हम जरा सा इंडिविजुअल और उस तरह से उसकी साइकी और सब कुछ, रोल ऑफ मेन एंड वुमेन इन सोसाइटी एज वेल एज दी कल्चर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वुमेन इन टर्म्स ऑफ वायलेंस। तो वही कल्चर ऑफ वायलेंस थ्योरी, आप वही बात के आपके जो कुछ कल्चर्स हैं वो डेफिनेटली वहाँ की तो नॉर्म है ना, आप ये कर लें इट्स ऑल राइट, ठीक है। और ये कहते हैं कि जनाब ये जो लोअर क्लासेस हैं ना, और आप यहाँ भी ये देखते हैं जो लोअर क्लासेस क्लासेस हैं वहाँ आपको ज्यादा वायलेंस मिलेगा, इकोनॉमिकली बात हो रही है, जो लोग ऐसे आम है ना उस तरह से। जनरल सिस्टम्स थ्योरी बाय स्ट्रास, द मेंटेनेंस ऑफ वायलेंस एज अ रिजल्ट ऑफ द सोशल सिस्टम इन विच फैमिलीज लिव, तब जिस किस्म का वो सोशल सिस्टम होगा उसी तरह के लोग होंगे, अमेरिकन सोसाइटी में रह रहे होंगे तो वहाँ का सोशल सिस्टम और है, यहाँ का और है, अर्बन में रहेंगे तो और है, घर जाएंगे अपना दाएं बाएं तो वहाँ से कुछ और सीख लेंगे, डिपेंड करता है आप हैं क्या। सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, दैट बॉन्डिंग इज द ग्लू ऑफ कम्युनिटीज एंड फैमिलीज, व्हेन द बॉन्ड्स आर थ्रेटन्ड पीपल रिजॉर्ट टू प्रोटेक्टिव बिहेवियर। तो ये कहते हैं कि जहाँ पे उस तरह से कन्फ्लिक्ट चल रहा हो सोसाइटीज़ में फैमिलीज में, तो लोग फिर इस किस्म की चीज़ें अडॉप्ट करके ज़रा मामला सेट रखना चाहते हैं, ठीक है। बाकी वही है रिसोर्स। अच्छा ये वाली देखें रिसोर्सेज वाली, फिर वही जेंडर एंड मैस्कुलिनिटी थ्योरी, जेंडर रोल सोशलाइजेशन अकर्स व्हेन बॉयज एंड गर्ल्स लर्न व्हाट इट मींस टू बी मैस्कुलिन और फेमिनिन, कि जब पता हमें चलता है कि ओ हो मैं तो मर्द हूँ, और फीमेल को पता चलता है अच्छा मैं तो फीमेल हूँ, पैंटी खाना जो है वो मेरी मुझे अपनी आदत बना लेना चाहिए। सो ये सो ड्यूरिंग अर्ली जेंडर आइडेंटिटी फॉर्मेशन बॉयज रिजेक्ट फेमिनिन इन फेवर ऑफ द मोर पावरफुल मैस्कुलिन। अब ये नहीं है कि ये को ऐसे बैठे बैठे उन्होंने देखा कि भाई ये तो ठीक, अब ये तो नहीं हो सकता कि फैंटी उल्टी मर्दों की लगना शुरू हो जाए, तो उन्होंने कहा नहीं बचपन में आपने देखा कि हाँ फायदे का सौदा तो ये है कि मैं भी ये आर्ट सीख लूँ कि हाउ टू कीप अ वुमन योर सबॉर्डिनेट। सो ये है, सो एफर्ट्स टू डिफाइन देमसेल्फ एंड मैस्कुलिन मे लीड टू डीग्रेडिंग एंड टारगेटिंग वुमन फॉर वायलेंस। जैसे अक्सर अब कहते हैं कि ये एफर्ट आप मर्द बनने के चक्कर में करते रहते हैं ना, वो जैसे हाँ ऐसे आप देखें ना किसी, आप ही देखें हमारे जो दोस्त हैं अक्सर पुलिस वाले जो आप उनको देखें या ट्रैफिक वालों को देख लें, तो ऐसी बात हाँ बीबी क्या मसला है, तो वैल्यू एट ऑल क्या आप तमीज से बात करें, अब आपके पास आएंगे तो सर अगर अपना कार्ड दिखाएं, आप वकालत का लाइसेंस दिखा देंगे, ओ सर मैं माफी चाहता हूँ आपको रोक लें, ये तो और बात हो गई, लेकिन वैसे जो है वो जरा सा वो खतरा होता है, आपको लंबी चोटी बदतमीजी ना ना करें तो इट्स ऑल राइट, लेकिन वहां पे शायद वो गड़बड़ हो रही है। हाँ कुछ वुमेन है वो भी जरा सी चेक करती हैं अपनी जुबान को, टेस्ट करती हैं ज्यादा ज्यादा बातें करके। अच्छा उसके बाद फेमिनिस्ट थ्योरी एक्सप्लेन जेंडर बेस्ड वायलेंस लिंक टू सोशल इकोनॉमिक एंड मेल पार्टनर्स, बस नो प्रॉब्लम, पूरे 8 मिनट ज्यादा पड़ा है और शक्लें ऐसी बन गई हैं जैसे पिछले 8 घंटे से बैठे हैं, और क्लास भी 6:25 पे स्टार्ट हुई। अगली दफा रेप और उसको रोकने की स्ट्रेटजी देखें। वो आपका दोस्त कहाँ गया मिस्टर पीटीए, उसको शादी कर ली,